हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कनेक्ट हो जाओ फटाफट। आवाज़ सबको आ रही है क्या? ज़रा एक बार चेक करना और बताना मुझे। नहीं, उन लोग को बोल रहा बेटा, आप लोग को नहीं, आप लोग को तो आ रही है ना आवाज़। थैंक यू सो मच। फटाफट गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। कनेक्ट नहीं हुए फटाफट कनेक्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच। कर विश मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, जिसका भी बर्थडे है। दिनेश ये हो जाएगा कि लाइव लेक्चर चालू है और उनको ऐसा समझ में आएगा कि सर कितना भड़कते भी है। ठीक है, अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं लाइव में, हैव थोड़ा सा फेथ कि ये 10 दिन जो लाइव चलेगा, आज से 11 तारीख से 20 तारीख तक, 22 से तुम्हारे एग्जाम्स है। मैंने ऑलरेडी लाइव शेड्यूल शेयर कर दिया है कि रोज़ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मत आप सोचो कि ये पढ़ाओ सर, वो पढ़ाओ, मेरे को ये आता है वो आता है। आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखना। हेलो हेलो, अभी आवाज़ आ रही है क्या? देखो ज़रा। इनाफ अभिषेक, एक सेकेंड ना बेटा। नहीं बेटा, उसको कुछ भी मत कर। एक सेकेंड, हेलो, अभी चेक करो आवाज़ क्लियर है क्या। टेक्निकल 22 तारीख से एग्जाम्स है बेटा, ठीक है? नाउ वॉइस इज क्लियर, अभी चेक करो। अभी मैंने सेटिंग चेंज किया थोड़ा, अभी आवाज क्लियर आना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज आएगा बिकॉज नॉइज कैंसिलेशन एक्टिवेटेड नहीं है बेटा। यस, ओके, फाइन। कौन से 22 से बेटा? मार्च 22 से हाँ। अब ध्यान दो, जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हुए और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको क्लियर एक बात बता देता हूँ मैं। 11, 12, 13, 14, आप 20 तारीख तक अगर पॉसिबल है कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव कनेक्ट होगा। जो ऑफलाइन आ रहे वो तो नहीं रहे, बट जो लाइव देखने वाले उनको बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी टॉपिक प्री डिसाइड कर रखा है, इस ये टॉपिक होने वाला है लाइव। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो पास्ट पेपर से पढ़ा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर सम नहीं कि वो सॉल्व कर रहा हूँ, बस वो उसके वीडियोज ऑलरेडी है, वो वापस रिपीट कर रहा है, लाइक वापस से वही चल रहा है। इसलिए पास्ट पेपर के वीडियोज नहीं थे। पास्ट पेपर 2023 पिछले साल का पेपर और 2019 दो साल के पेपर्स, जितने भी सर्च मतलब टॉपिक आप करने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल आज टॉपिक है फॉरेन करेंसी और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एडवेंचर, इस साल वो टॉपिक जितनी बार आया आपको समझ आएगा कि फॉरेन करेंसी कितने मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन अंडरराइटर्स कितने मार्क्स के लिए आता है। तो मैं जितने भी सारे सॉल्व करवा के दूंगा, फिर उसके अंदर आपके जितने भी डाउट डिफिकल्टीज है वो सारे क्लियर होंगे। और फिर भी नहीं क्लियर होता है तो लाइव चैट चालू है, उसके अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है बोलना, चाहे वो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हो या अंडरराइटर्स, एक एक करके टॉपिक का डाउट क्लियर करो। एक अंडरराइटर का डाउट बहुत बड़ा डाउट है जो रेगुलरली कमेंट में था, तो आई वॉज लाइक कि जब लाइव लेक्चर लूंगा तभी वो क्लियर करता हूँ। तो वो अंडरराइटर का जो डाउट है कि भाई इंक्लूड कब करना है, एक्सक्लूड कब करना है, माइनस कब करना है, ऐड कब करना है, नहीं समझ में आ रहा है सर, तो वो चीज़ को भी अपन लाइव लेक्चर में आज क्लियर करेंगे। क्लियर है? एक सेकेंड लो,
हेलो हेलो, अभी आवाज चेक करो, अभी आवाज चेक करो, क्लियर है क्या? हाँ, अभी आवाज चेक करो, क्लियर है क्या? माइक चेंज किया बेटा, अभी चेक करो आवाज। ओके फाइन, चल। नॉइस अभी आ रहा है बैकग्राउंड का किसी को भी? सही है अब सर। ओके फाइन फाइन फाइन, चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। पहले बात कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी की और फिर बात कर रहा हूँ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो ले लेते हैं और फिर सम की तरफ जाएंगे। फॉरेन करेंसी में क्या होगा कि आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, आपका बिजनेस किधर है? इंडिया में है, और आप इंडिया के बाहर सामान बेचोगे या तो फिर इंडिया में बेच के बाहर से सामान खरीदोगे, परचेज करोगे। मतलब जब आप बाहर से सामान ला रहे हो तो उसे आप इंपोर्ट कहते हो, जब आप सामान बेच रहे हो तो उसे आप एक्सपोर्ट कहते हो। तो दो टाइप के सम्स आपको आएंगे, या तो इंपोर्ट का सम आएगा या तो एक्सपोर्ट का सम आएगा। जो बोल रहा हूं पहले टॉपिक के बारे में समझ लो और फिर टॉपिक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो पहली बार बुक ही खोल रहे आज, या चलो कर लेते कुछ हो जाएगा। तो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, खाली सम की तरफ नहीं जा रहा हूं। ओके, डिपेंड करता है, लेक्चर 1 आवर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है लेक्चर 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का। आप सम कितना फास्ट करते हो उसके ऊपर है। अगर मेरे को लगा कि भाई 2 घंटा लाइव चल रहा है तो 2 घंटा भी लाइव चल सकता है, और मुझे लग रहा है 1 घंटे में खत्म हो जाएगा तो 1 घंटे में भी खत्म। ओके चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेटा, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा। चल अब फॉरेन करेंसी की बात करो तो दो टाइप के सम्स होते हैं राजू, कौन से? या तो सेल्स या तो परचेज। सेल्स किया मतलब एक्सपोर्ट, परचेज किया मतलब इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल, जैन 1 तारीख को मैंने मेरा बिजनेस चालू किया है, जैन 1 तारीख, ठीक है, मेरा साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। स्टार्ट ऑफ द मंथ, महीने के स्टार्ट में मैंने सभी क्या किया, सामान बेचा। अब जिस दिन बेचा है मैंने इंडिया में नहीं बेचा है, मैंने फॉरेन में सेल किया है। तो फॉरेन में इंडियन रुपीस गांधी जी चलते नहीं है, उधर तो दूसरे लोग चलते हैं, हाँ या नहीं? दूसरे लोग चलते, सिराज सर नहीं चलते, हाँ बस कर। इसके लिए तो नहीं चलते ना, चलते हैं। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, भाई इंडियन रुपीस वहां पे चलेगा नहीं, वहां पे चलेगा डॉलर्स। तो जो पैसे का रेट होगा वो डॉलर्स में होगा। तो अगर मेरा वहां पे डॉलर का जो भी रेट था जिस दिन मैंने बेचा वो था 80 रुपए, 1 डॉलर का, 1 रुपीज का 80 रुपए चल रहा वहां, बराबर है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज के हिसाब से, मतलब 80 डॉलर के हिसाब से $10,000 परचेज किया है। तो 10,000 × 80 करो कितना आएगा, 10,000 × 80 करोगे तो 8 लाख का सामान तुमने बेचा है जिस दिन आपने। बट ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो होगा उधार में, कैश में नहीं। तो आपने 8 लाख का सामान उधार में बेचा, उधार मतलब क्रेडिट। दिनेश लाइव चल रहा है, क्या सोचेंगे तेरे बारे में, कुलदीप को एक्सपर्ट समझते हैं लोग, लेजेंड है वो। कुलदीप ध्यान दे बेटा, आपने सामान बेचा 8 लाख रुपए का सामान बेचा, लेकिन उसे वाला पैसा अभी नहीं, 2 दिन बाद देता हूं, 3 दिन बाद देता हूं, 1 महीने बाद देता हूं, 2 महीने बाद देता हूं। 1 महीने के बाद वो आया और उसने बोला कि भाई $10,000 में से ना मैं सिर्फ और सिर्फ $2,000 दे रहा हूं आज। वो 1 महीने के बाद जब आया तो डॉलर का रेट हो गया था 72, जब बेचा था तब 80 रुपया था, अब पैसा आ रहा है तो 72 ही आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, फायदा कि नुकसान हो रहा है? बस ये लॉजिक को आपको सम में समझने गए, ये लॉजिक अगर आपको समझ रहा है तो फॉरेन करेंसी हो जाए। सेम वाइस वर्सा फॉर, अभी सेल्स था वैसा ही परचेज के लिए भी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, खरीदने का और बेचने का फायदा और नुकसान अगर इतना समझता है तो टॉपिक हो जाएगा, क्लियर? चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे। सर लोन मेथड में डाउट है, पूनम लोन मेथड का डाउट भी क्लियर करूंगा, अभी पहले ये सम जो करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, और फिर आपका लोन मेथड जब मैं फॉरेन करेंसी का डाउट सेशन चालू करूंगा तब आप क्लियर करवा दो।
चलिए ठीक है, अंडर राइटिंग का लेक्चर नहीं बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज लेक्चर अटेंड करो हो जाएगा बेटा। अरे हॉल टिकट मिल जाएगा बेटा, क्या भाई इतना। चलिए स्टार्ट कर। जो सम है ये मार्च अप्रैल 2023 में 10 मार्क का सम आया है, मार्च अप्रैल वही टाइम पे एग्जाम होता है, तो ये अप्रैल 2023 में 10 मार्क का सम आएगा। पेपर पैटर्न की बात करूंगा तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी 10-10 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क तो ऑब्जेक्टिव के हो गए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन थियरी आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन छोड़ दो, 20 मार्क छोड़ने मतलब उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, तो आपका 20+20 40 मार्क्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, 60 मार्क्स प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन 2 जो भी आएगा उसका ऑप्शन आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन 2 फॉर एग्जांपल अमालगमेशन 20 मार्क का आया है, तो उसके ऑप्शन में हो सकता है LLP आ जाए, उसके ऑप्शन में हो सकता है फॉरेन करेंसी के 2 सम आ जाए, उसके ऑप्शन में फॉरेन करेंसी अंडर राइटर का 10-10 मार्क का 2 सम आ जाए, ऐसा कुछ भी जोड़ी किसके साथ भी बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अमालगमेशन 20 मार्क, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है फॉरेन करेंसी 10 मार्क अंडर राइटर 10 मार्क्स, तो अमालगमेशन करना है तो अमालगमेशन पूरा करो, या तो फॉरेन करेंसी अंडर राइटर 10-10 मार्क का सॉल्व करके पूरे 20 मार्क ले। क्वेश्चन 3 पे जाओ, क्वेश्चन 3 में भी सेम भाई LLP आ गया पूरा सम सॉल्व करने के लिए, और उसके ऑप्शन में हमको दे दिया है एक छोटा सा सम फॉरेन करेंसी का 20 मार्क का 2 इयर्स वाला वैसा, तो उसके ऑप्शन में वो भी आ सकता है। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा वहां पे कि कौन से टॉपिक को कब अटेम्प्ट करना है। सर कौन सा टॉपिक ऑप्शन में रख सकते हैं, अगर ये आपके दिमाग में अभी भी है, सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं टॉपिक सजेस्ट करूंगा फॉरेन करेंसी अंडर राइटर, ये तो करना ही करना है। कुछ भी करो TY बीकॉम वाले स्टूडेंट, सेमिस्टर 6 वाले स्टूडेंट, ये 2 टॉपिक फॉरेन करेंसी अंडर राइटर बिना कुछ किए इसको ऑप्शन में रखना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना भी नहीं कि ऑप्शन नहीं भाई करना ही है, पूरा मेहनत करो कि भाई करना ही है। ये 2 टॉपिक आएगा कंपल्सरी। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बोलूंगा लिक्विडेशन पे की तरफ जाओ, सजेशन दे रहा हूं लिक्विडेशन की तरफ जाओ, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये 3रा टॉपिक। बड़े टॉपिक्स में नहीं भेज रहा हूं क्योंकि बड़ा टॉपिक है। इफ आपको ऐसा लग रहा है नहीं और एक टॉपिक करना चाहिए, 3 टॉपिक करके जब पास हो जाओगे फेल नहीं हो गए, पास हो जाओगे, फॉरेन करेंसी अंडर राइटर्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन फॉरेन करेंसी अंडर राइटर, अगर आपके पास 10 दिन है 10 दिन में इतना ही टॉपिक करके जा रहे हो, आप पेपर लिखो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है, फोकस करो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, शॉर्ट नोट से 20 मार्क का लिख के आने का, 20 नहीं तो 5.5-6-7 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 ऑप्शन लिख के आगे कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा ही। तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में अगर आप 20 के 20 ट्राई करते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो 10-15 मार्क निकालते उधर, 7-7.5 मार्क इधर निकालते हो 22 मार्क हो गए। अब बाकी जो 3 टॉपिक है हो सकता है 20 मार्क के लिए भी आ जाए, हो सकता है 10-10 मार्क के ही आ जाए, अगर 10-10 मार्क के भी अगर तीनों टॉपिक सॉल्व कर लिया है तो 30 मार्क तो उधर हो गए, और 30 मार्क ये और 22 मार्क ये 52 मार्क्स 100 में से अच्छे है, वो उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, फर्स्ट डे आज बैठे हो पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए। आप लोग साल भर मेरे पास थे, आप लोग को ये ऑप्शन नहीं है, आपके लिए सारे टॉपिक कंपलसरी पढ़ाई के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले को नहीं। क्लियर है यहां तक? पक्का कुलदीप? तेरे लिए भी सेम है। चलिए लाइक की बात करूं ना, देख रहे 1000 लोग, लाइक सिर्फ 63 है। नहीं तू फोन लाइक मत कर, तो जो लोग वीडियो देख रहे एटलीस्ट 933-944 दिख रहे, लेकिन लाइक सिर्फ 63, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर दो, हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जो लोग भी लाइव देख रहे प्लीज लाइक द वीडियो, और क्लास का एड्रेस बेटा स्काई एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते टॉपिक पे जाते, 10 मार्क का टॉपिक है, सना का फेस रिवील नहीं कर सकते बेटा।
वो खुद ही मिली रहेगी ना कुलदीप, कुलदीप चलिए ठीक है राजू स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दिया है। 1 अगस्त 2021 को अभिनव लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर, इंपोर्टर मतलब सामान एविएटर, इंपोर्ट हो रहा है, परचेज हो रहा है। तो मैंने सामान कितने का परचेज किया है, $2,00,000 का सामान खरीदा है। कौन से तारीख को? 1 अगस्त। ध्यान से जो लोग फर्स्ट टाइम बैठे, एक एक स्टेप को अच्छे से समझो। वर्क गुड्स फ्रॉम बेल इनकॉर्पोरेशन ऑफ US एट डॉलर रेट ऑफ 77 पर डॉलर। मतलब जिस दिन मैंने सामान खरीदा था, इस दिन 1 अगस्त को कितने का सामान खरीदा था, $2,00,000 का, उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 77। बट जो मैंने खरीदा था वो उधार में खरीदा था। सर आपको कैसे मालूम? नाम आ गया है मतलब उधारी ट्रांजैक्शन। अगर ये नाम नहीं दिया रहता मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है। 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ाया गया कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे भी नाम है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब इसने 2,00,000 का पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ सामान खरीदा है। अब खरीदने के बाद उसने बोला है द पेमेंट फॉर इंपोर्ट वॉज मेड एज फॉलो। जो मैंने खरीदा उसका पेमेंट कब किया? अगस्त में खरीदा था, पहला पेमेंट सितंबर में किया $60,000 का और उस दिन डॉलर का रेट 79 था। दूसरा 26 अक्टूबर को किया $80,000, डॉलर का रेट 76 था। 5 दिसंबर को किया $40,000, 78 रुपीस डॉलर का चल रहा था। 18 जैन को किया $20,000, 75 पर डॉलर चल रहा था। इतना इंफॉर्मेशन दिया है और बोला है अभिनव लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। जब भी फॉरेन करेंसी का सम करोगे तो पहला मैं फोकस करता हूं वर्किंग पे। आपको पहले वर्किंग को अच्छे से बना लेने का और उसके बाद सॉल्यूशन सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाने का। ओके तो यहाँ पे ईयर एंड मिल गया है। क्या है ईयर एंड? तो ईयर एंड है 31st मार्च। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में, साल खत्म हो रहा है मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके मार्च का कैलेंडर बना दिया। क्लियर है? अब पहला परचेज अगस्त 2021 को हुआ है, अगस्त 2021, तो ये 21 है तो दिसंबर तक तो 21 ही चलेगा, जनवरी में साल बदल जाएगा 22, तो ये कौन से ईयर का कैलेंडर है? 21-22 का कैलेंडर। क्लियर हुआ ये? इसके बाद क्या करने का है? इसके बाद उसे बोला प्रिपेयर डेल कंपनी अकाउंट, डेल इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएस अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अभिनव लिमिटेड। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं पूछा है 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए डेल कंपनी का अकाउंट पूछा है और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट पूछा है। बिना जर्नल एंट्री के भी अपन ये कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, बट जिसको ऐसा है कि नहीं आता है वो देखो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहला अगस्त 21 को हमने परचेज किया, भाई अगस्त किधर है? अगस्त परचेज किया है तो मैंने लिखा इंपोर्ट। कितना परचेज किया है? $2,00,000, डॉलर का रेट 77। अंडरस्टूड? वर्किंग समझाइए, एनी डाउट? पुणे जाएगा, पुणे क्या हो रहा है भाई? पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है? 12 सितंबर को $60,000 का पेमेंट 79। 12 सितंबर पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? $60,000। डॉलर का रेट कितना? सुपा है वर्किंग, इतना तो करने का ही अभिषेक अपने को, कुलदीप भी इतना करता ही है कि नहीं कुलदीप? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, 26 अक्टूबर को फिर से पेमेंट किया कुलदीप। कितना पेमेंट किया उसने? 80,000। 26 अक्टूबर है, अक्टूबर 26 को पेमेंट किया 80-76 के हिसाब से। एविएटर क्लियर है यहां तक? एविएटर उसके बाद 5 दिसंबर 2021 यहाँ पे फिर से पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? $40,000, डॉलर का रेट 78। पुणे जाएगा, पुणे जाएगा 18 जैन को आएगा, 18 जैन को फिर से $20,000 का पेमेंट करेगा, 18 जैन को फिर से पेमेंट करेगा $20,000, डॉलर का रेट कितना है? 75। अभी एक बार गो थ्रू कर रहा हूं मैं कि भाई मैंने 2,00,000 का सामान खरीदा था तो 2,00,000 का पेमेंट हुआ क्या? 2,00,000 का खरीदा था, 60+80 140+40 180+20 हो गया 2,00,000, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है। एक ही साल के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? डन है ये वर्किंग में? कुछ भी डाउट? क्लियर?
अब मैंने दो अकाउंट बनाए, एक डेल कंपनी और एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। एंट्री कैसे सॉल्व कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, डेट वाइज जाने का और कुछ भी सोचने का नहीं। और जब भी पेमेंट आएगा तो खाली एक ही चीज पूछने का, फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। खरीदोगे बेचोगे कुछ नहीं, लेकिन जब भी पेमेंट करोगे या पेमेंट मिलेगा एक चीज दिमाग की बती है, फायदा नुकसान, ये ध्यान में रखने का। ओके, खरीदा समीदा, मैंने सामान खरीदा तो सामान आ रहा है, तो कैसे पैसा जा रहा है भाई? जब तुमने सामान खरीदा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक बेसिक दिमाग में आना चाहिए। मैंने सामान परचेज किया है, कितना? $2 लाख का। तो परचेज किया है तो सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? उधार में परचेज किया, पैसा दिया है क्या? नहीं। तो टू डेल अकाउंट। मैंने परचेज अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? तो डेल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। परचेज किया तो सामान आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और डेल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कौन से तारीख को परचेज किया? फर्स्ट अगस्त। बाय परचेज, कितना परचेज किया? 1,54,00,000। सर ये कैसे आया? $2 लाख को 77 से मल्टीप्लाई करो, 1,54,00,000। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको समझ में आए यहां तक? इतना सबको समझ में आया है क्या? जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको क्लियर है यहां तक? आप लोगों को क्लियर है? समझा? परफेक्ट। परचेज किया या सेल्स किया, सिंगल एंट्री आएगा, ज्यादा कुछ दिल पे लेने का नहीं। पुणे जा रहा है, पुणे जाने के बाद सितंबर को क्या हो रहा है? तो बहुत सारे समीदा है, समीदा क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। आ रहा है कि जा रहा है? पेमेंट आ रहा है कि जा रहा है? खरीदा भी और पैसा भी मांगेंगे। वापस जरा ध्यान देना, जब भी आप सामान खरीदते हो राजू तो पैसा दोगे, पैसा मिलेगा क्या? बराबर है। तो कुलदीप, जब मैंने परचेज किया तो पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है। भाई साहब किसके पास जा रहे हो? डेल के पास। तो डेल के पास आ रहा है तो डेल का अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट। अब क्योंकि फॉरेन करेंसी तो कैश लिख नहीं सकते, तो टू बैंक अकाउंट। कितना? $60,000 पे 79 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 47,40,000। जैसे ही लिखा हमारा टाइगर शॉ बोला, सर क्या करने का इसमें? प्रॉफिट हुआ क्या? लॉस। जब भी पेमेंट करेंगे एक ही चीज पूछना है, प्रॉफिट हुआ क्या? लॉस। बराबर है। अब प्रॉफिट हुआ क्या लॉस वो कैसे पता चलने वाला है? तो यहाँ पे जब सामान खरीदा था, परचेज किया था, तब डॉलर का रेट क्या था? मैंने 77 में खरीदा था मेरा। अब पैसा कितना दे रहा हूं? ज्यादा दे रहा हूं ना। फायदा है कि नुकसान? लेवल स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट में जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जो भी लॉस जो भी फायदा होगा वो हमेशा किधर जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज में। एक्सपेंस लॉस हो रहा है तो डेबिट और इनकम हो रहा है तो क्रेडिट। अभी अपने को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में टू डेल कंपनी। कितने का नुकसान हो रहा है डेल के वजह से? तो 77 में खरीदा था, 79 दे रहे हो, मतलब $2 ज्यादा दे रहे हो। और कितना डॉलर का पेमेंट किया है? 60। तो 60 × 2 करो, कितना आ रहा है? 60 × 2 = 120,000। इधर डेबिट तो डेल का अकाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो डेल का अकाउंट क्रेडिट 120,000, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री भी वही आने वाली है। जर्नल एंट्री क्या है कि भाई लॉस है तो एफसीएफ अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री है एफसीएफ अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से हुआ भाई? डेल कंपनी अकाउंट। दोनों अकाउंट आपने बनाया है तो एफसीएफ अकाउंट डेबिट, डेल अकाउंट क्रेडिट। समझा एंट्री? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते उसके बाद क्या है?
सर उसके बाद फिर से पेमेंट है, मतलब वापस पैसा देंगे, पैसा देंगे तो पैसा जा रहा है किसके पास, डेल के पास, तो इसके पास तो आ रहा है ना, तो डेल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक। कितना आ रहा है भाई, 80 × 76 करो कितना आ रहा है, 60 लाख, तो 60,80,000। बात समझ में आया क्या? वॉइस क्लियर है क्या नहीं है बेटा, जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं वॉइस क्लियर बेटा, एक बार वापस, क्योंकि एक दो जन बोल रहे हैं सर वॉइस 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 के लिए पूछ रहा हूं। अपने को जन एंट्री पास नहीं करने का बेटा, इधर कंबाइंड एंट्री के बारे में सोचो मत आप। हाँ इधर जो अमाउंट है इसका कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। वॉइस क्लियर है क्या? ओके ओके फाइन, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे भाई, अब इधर फायदा हो रहा है कि नुकसान वो देखते। 77 में खरीदा था, आज पैसा दे रहा हो तो कितना दे रहा हो, $1 कम दे रहा हो, कम दे रहा हो तो मेरे लिए इनकम है, और जो भी इनकम है एफसीएफ अकाउंट क्या आ जाएगा, तो क्रेडिट में, किसके वजह से, डेल के वजह से। $80,000 पे $1 का फायदा, मतलब 80,000 इधर क्रेडिट, तो डेल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ ये एंट्री। तो विदाउट जनरल एंट्री मेरे को लेजर पूछा जा रहा है, तो मैं लेजर भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। देन है आगे, फिर से पेमेंट हुआ दिसंबर में, कितना पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, 40,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 78। पेमेंट हुआ तो पैसा जा रहा है किसके पास, डेल के पास, तो डेल का अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 3120। अरे बराबर, इधर डेबिट बैंक अकाउंट बना है क्या, अब फायदा या नुकसान, बेचा था 70, खरीदा था 77 में, पैसा दे रहा हो 78, मतलब ज्यादा दे रहा हो, $1 ज्यादा, मतलब लॉस, लॉस है तो एफसीएफ अकाउंट डेबिट, 40 × 1 = 40,000 इधर डेबिट, और डेल का अकाउंट क्रेडिट। पप्पा है पूजा बराबर, पक्का ना, आगे नेक्स्ट। जैन में फिर से पेमेंट किया, $20,000 का पेमेंट किया है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है भाई, पैसा फिर जा रहा है किसके पास, डेल के पास, डेल अकाउंट डेबिट कितना, 20 × 75 कर दोगे 15,00,000। इधर डेबिट बैंक अकाउंट बना है क्या, नहीं। यहां तक पक्का, फायदा या नुकसान, खरीदा था 77, पैसा दे रहा हूं 75, मतलब $2 का प्रॉफिट, एफसीएफ अकाउंट क्रेडिट, 20 × 2 = 40, इधर क्रेडिट, पर इसका अकाउंट हो गया डेबिट। डन यहां तक, अब क्या राइट, क्लोजिंग सब खत्म हो गया, इसका टोटल लिया 1,55,60,000, 1,55,00,000, ये टैली होना चाहिए, ये टैली हो जाएगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसका पूरा पेमेंट दे चुके आप। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया रहता तो बैलेंस आता, यहाँ पे हमने जितना लिया उतना पूरा पेमेंट हो गया, तो ये अकाउंट टैली होगा, एफसीएफ टैली नहीं होता है। तो एफसीएफ का 1,60,000 इधर दिख रहा है, 1,60,000 उसमें से 1,20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, तो 40 बचेगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तारीख क्या रहेगा, 31 मार्च। पहला सम क्लियर हुआ, 10 मार्क का सम था, ऐसा आपको पूछा गया अमालगमेशन के ऑप्शन में। इसके साथ और एक क्वेश्चन है, हमारा कमीशन 20 मार्क का आया था, बट फॉरेन करेंसी उसके ऑप्शन में ये वाला सम था 2023 के एग्जाम। इसे और एक क्वेश्चन आया था अंडरराइटर्स का, अभी अंडरराइटर नहीं ले रहा हूं, पहले मैं फॉरेन करेंसी का पूरा सम करवाऊंगा, बाद में अंडरराइटर्स। इसमें कुछ भी डाउट है जो इधर बैठे उनको, जो लाइव देख रहे उनको, बेटा बोल रहा समीर आपको क्या पूछने का, क्या डाउट है बोल। $20,000 कितना पे किया, तो 75, खरीदा कितने में था, तो कितना डॉलर कम दे रहा हूं, $2, तो 20 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 40, और 40 इधर आया, चलिए फाइन, ये सम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मानस लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21
एंड 31 मार्च 2022, दो अकाउंटिंग ईयर है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है अप्रैल 2023 में, क्वेश्चन 3 का सी, मतलब क्वेश्चन 3 में ए और बी जो ऑप्शन रहेगा या बी और सी जो ऑप्शन रहेगा उसके अंदर ये 10 मार्क का आया था, 2 साल का सिर्फ जनरल एंट्री। अपने को ज्यादा दिल पे लेना नहीं है, पहले वर्किंग पे फोकस करेंगे। साल कभी खत्म हो रहा है मार्च में, तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बनाया। पहला जो परचेज है वो कौन से ईयर का है, फर्स्ट परचेज दिया हुआ है जैन 2021, तो जैन 2021 है तो ये 20 रहेगा, तो 2021 का कैलेंडर मैंने 1 साल का पहले बनाया। अब प्लॉटिंग करते जैसा दिया है वैसे जरा ध्यान से, सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर फर्स्ट टाइम हो, और अगर बताया है तो फिर इट विल बी वेरी इजी। मानस लिमिटेड एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड मतलब हमने सेल्स किया है शेपर्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैनेडा वर्थ $10 लाख, कौन से तारीख को, 5 जैन को। तो भाई 5 जैन को आगे एक्सपोर्ट किया है मतलब सेल्स किया है, कितना डॉलर एक्सपोर्ट किया है, और जिस दिन एक्सपोर्ट किया उस दिन डॉलर का रेट क्या है, समझाइए। आगे जाएंगे, अब इसका पेमेंट कब किया, तो इसका पेमेंट मेरे पास आया 16 फेब को $4 लाख का, फेब 16 पेमेंट आया, कितना आया $4 लाख, और डॉलर का रेट क्या है 69। फिर 16 मार्च को $2 लाख का पेमेंट आया, डॉलर का रेट 70। फिर अप्रैल को आया मतलब न्यू अकाउंटिंग ईयर आ गया है नहीं, तो भाई न्यू अकाउंटिंग ईयर में आ गए, मार्च में खत्म हुआ है तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर फिर बनाया बराबर। फिर पेमेंट के कौन सी तारीख को मिल रहा है, 16, तो 16 को पेमेंट मिल रहा है $2 लाख का, डॉलर का रेट 67। 16 मई को मिल रहा है, 16 मई को पेमेंट हो रहा है $2 लाख एट द रेट 65। क्लोज कर रहे 31 मार्च को, और जिस दिन मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं उस दिन का एक्सचेंज रेट दिया है 65। हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो अकाउंटिंग ईयर दिया है तब 31 मार्च जो पहला अकाउंटिंग ईयर है उसका ईयर एंड का एक रेट दिया रहेगा, इसके बिना आप इधर नहीं आ सकते। तो जब भी 2 साल का इंफॉर्मेशन है बाय डिफॉल्ट कुलदीप यहां पे एक रेट देना ही चाहिए, जो कि दिया है, कितना दिया है 65। तो ये आपका यहाँ पे वर्किंग कंप्लीट हुआ, एनी डाउट। अब सिर्फ जनरल एंट्री सॉल्व करना, जनरल 12-11 स्टैंडर्ड में जो करते थे वही सेम, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहला सेल्स किया, सेल्स किया प्रिया मतलब सामान जा रहा है, किसको सामान बेचा, शिपर्ड। तो सामान जा रहा है तो 2 सेल्स किसके बाद, शिपर्ड के पास। भाई कितना, $10 लाख इंटू 68 लाख मतलब 6 करोड़ 80 लाख बराबर है। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन जरा एंट्री है, तो बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड टू शिपर्ड ऑन क्रेडिट, आप डिटेल में नरेशन लिखते हो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाइए। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप एक्सपांड करके लिख सकते हो। अब सेल्स के बाद क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा, बेचा है तो पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, $4 लाख पे 69, तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कौन देगा ये पैसा, समझ में आया। 4 लाख इंटू 69 करो कितना रहा है, 2 करोड़ 76 लाख बराबर है, क्लियर। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा, समीरा बोली सर इतने का एनआर एक्सचेंज डिफरेंस, का एनआर एक्सचेंज डिफरेंस, बेचा था कितने में, जब मैंने सामान बेचा था डॉलर का रेट चल रहा था 68, अब पैसा मिल रहा है तो डॉलर का रेट है 69, मतलब $1 ज्यादा मिल रहा है, मतलब फायदा हुआ। अभी बताया जो भी फायदा है वो क्रेडिट, और जो भी नुकसान है वो डेबिट। अब फायदा है तो क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, FEF अकाउंट क्रेडिट टू FEF अकाउंट क्रेडिट। अब ये फायदा किसने करवा के दिया, शेफर्ड ने, उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया उसकी वजह से मुझे फायदा हुआ, तो शेफर्ड कितना, $4 लाख पे $1 का फायदा, चार लाख। बात समझ में आया यहां तक, पक्का, चलिए ठीक है। बीइंग पेमेंट रिसीव एट प्रॉफिट, सेम चीज, अरे अंडरस्टूड, पूरे जाएगा फिर से पेमेंट भेज रहा है, पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, शेपर्ड, कितना, $2 लाख पे 70 मतलब 1 करोड़ 40
फायदा के नुकसान, बेचा था 68 में, पैसा मिल रहा है 70, मतलब $2 ज्यादा। जो भी फायदा है एफईएफ अकाउंट क्रेडिट और शेपर्ड का अकाउंट डेबिट, कितना? तो $2 लाख पे दो के हिसाब से 4। यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे ही इसको फॉलो करते 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 आया, साल तो खत्म हो गया, लेकिन साल खत्म होने के बावजूद भी क्या मैंने कुलदीप सब पैसा दे दिया या सब पैसा मिल गया? मैंने सामान बेचा था $10 लाख का, लेकिन जो पैसा आया वो 4 लाख और 6 लाख का ही आया, अभी भी 4 लाख बाकी है। तो अब जो बैलेंस है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। अगर उसका पेमेंट इस साल हो जाता, मिल जाता, दे देते, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था? हमने बेचा कितने में था? तो मुझे कम पैसा मिलता तो मुझे नुकसान होता। कितना नुकसान होता? $3। और डॉलर कितना पेंडिंग है? 4 लाख। सर वापस ध्यान देखो, आपने टोटल कितने का सामान बेचा है? $10 लाख का सामान रोहित मैंने बेचा, उसने 4 लाख का पेमेंट कर दिया, 2 लाख का पेमेंट किया और मेरा साल खत्म हो गया। उसने बाद में पेमेंट किया है, मैं ये बोल रहा हूं अगर वो इस साल ही पेमेंट करता तो इस साल डॉलर का रेट क्या चल रहा है? बराबर है। अब वो कितना पेमेंट करता? जितना बाकी उतना ही करता ना, 4 और 2 6 लाख का कर दिया है 10, तो बैलेंस कितना है? 4 लाख डॉलर बैलेंस है। अगर वो उसका पेमेंट करता इस साल तो डॉलर का रेट चल रहा है 65, लेकिन उसे किया नहीं है, करता तो डॉलर का रेट है 65। मैंने बेचा था 68 में, तो मुझे $3 का लॉस हो जाता, होता ना? तो 4 × 3 करोगे 12 लाख रुपए का लॉस हो सकता था अगर वो पेमेंट करता तो। उसे पेमेंट नहीं किया, नहीं किया तो भी मुझे लॉस हुआ, क्योंकि जैसे ही साल बदल जाता है परचेज का भाव और सेल्स का भाव चेंज हो जाता है, और हमको वो चेंज करने के लिए हमेशा याद रखो जितना भी बैलेंस रहेगा उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी साल खत्म होगा, जब भी साल खत्म होगा तो जो भी बैलेंस आपके पास रहता है उसमें फायदा या नुकसान कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में मुझे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? जो भी लॉस है वो एफसीएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। शू किसके वजह से? शेफर्ड की वजह से। कितना? 12 लाख। अरे समझाइए, इसमें कुछ भी डाउट? हाँ, तो यहाँ पे एफईएफ अकाउंट डेबिट टू शेफर्ड अकाउंट 12 लाख 12। हमेशा याद रखना ईयर एंड पे दो एंट्री पास करनी है, एक तो है बैलेंस की एंट्री जो अभी मैंने पास किया, उसके अलावा इस साल में जितना भी एफसीएफ आपने बनाया उसका एक रफ अकाउंट बनाने का। इस साल जितना भी आपने एफसीएफ लिया उसका रफ अकाउंट बनाने, रफ अकाउंट में एफसीएफ ढूंढेगा, एफसीएफ 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 क्रेडिट में कितना है? 4 लाख। क्रेडिट में लिख दिया मैंने 4 लाख। एफसीएफ एफसीएफ क्रेडिट में कितना है? 4 लाख। एफसीएफ एफसीएफ डेबिट में 12 लाख। अब कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? 12 का टोटल ज्यादा है। 12 12 4 और 4 8, 12 में से 8 का तो कितना बचा? 4। कौन से साइड पे बचा? क्रेडिट पे। हाया नहीं तो इधर एंट्री पास करूंगा, एफसीएफ में क्रेडिट में बचा और ये पैसा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एफसीएफ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर इधर डेबिट में बचता तो एफसीएफ डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट? 4 लाख 4 लाख। एनी डाउट? कड़ा यहां तक हो गया। ये एक साल इज कंप्लीट। अब जैसे 1 ईयर इज कंप्लीट, आपको क्या करना है? सेकेंड ईयर में जाने का। ये फर्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है? रिवीजन जैसा हो गया है कि भाई अब ऐसा ही करते थे, क्योंकि लेक्चर्स जो भी मैंने लिया उसमें भी वैसा ही पढ़ा है। डन है यहां तक? फाइन। अब ये हो जाने के बाद, साल खत्म हो जाने के बाद यू विल कम टू द न्यू अकाउंटिंग ईयर।
न्यू अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहला पेमेंट किया, जब समीरा मैंने पैसा दिया तो पैसा आएगा कि जाएगा? सेल्स किया मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, किसने दिया पैसा? शेफर्ड ने। कितना पेमेंट किया? $2,00,000 पे 67। तो 2 लाख इंटू 67 करो कितना आ रहा है? 1,34,00,000। चलिए डन है यहां तक, पक्का डन 100%, सबको समझा। लेकिन जैसे मैंने पेमेंट की एंट्री पास की है वेटर, अपना दिमाग का बत्ती चला, फायदा या नुकसान? अब खरीदा या बेचा कितने में था? 68। बोलूंगा नहीं समझा, जैसे साल बदलता है खरीदने का भाव और बेचने का भाव चेंज हो जाएगा, अब वो बन जाएगा ये, मतलब चाहे खरीदो चाहे बेचो यर एंड का रेट ही आपका परचेस का भाव और सेल्स का भाव बन जाएगा। तो अब आपने सेल्स 68 में नहीं, कितने में किया? और पैसा कितना मिला? मतलब मुझे $2 का फायदा हुआ, $2,00,000 पे 2 का फायदा, मतलब 4 लाख का फायदा। और जो भी फायदा है, एफएफ अकाउंट क्रेडिट और शेफर्ड अकाउंट डेबिट, 4 लाख 4 लाख, ये समझा? फिर से पेमेंट किया, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेफर्ड, कितना भाई? $2,00,000 पे 65, मतलब 130। फायदा नुकसान देखना पड़ेगा, बेचा था 65, खरीदा पेमेंट आया 65, नो प्रॉफिट। क्लियर हुआ सम? पक्का क्लियर? डन विद दिस 10 मार्क्स सम ऑल्सो। एडवांस पेमेंट का भी सम होगा बेटा, एडवांस पेमेंट का भी होगा, परम एडवांस का भी सम होने वाला है। बोल हाँ बोल, क्रेडिट होगी। एक बेसिक सा डाउट है सर, सेल्स हो रहा है तो पेमेंट की एंट्री डेबिट हो रही है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, फिर कोई तकलीफ? डन है यहाँ तक सबको? बोल नए ईयर के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस टी फॉर्मेट बना दे, बट इस क्वेश्चन में अपने नहीं बनाया, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस साल भी जितना भी एफईएफ है उसका टी बनाने का और उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करोगे तो भी चलेगा, मतलब नहीं, आप अगर नहीं सॉल्व करोगे तो उसके मार्क्स नहीं कटते। डन है? हाँ बेटा लेजर में 2 साल की एंट्री इकट्ठा सॉल्व नहीं कर सकते, लेजर अगर लेजर अकाउंटिंग पूछा गया है तो लेजर अकाउंटिंग में 2 साल का लेजर साथ में सॉल्व नहीं कर सकते आप, आपको पहला 1 ईयर करना है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर में आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन सॉल्व करने और फिर वो टैली होगा। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, मतलब सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और फिर उसका एंट्री पास करोगे, फिर उसको क्लोजिंग करके टैली करो। आप एक लेजर के अंदर 2 कॉलम पार्टीशन कर सकते हो, समझना है? जर्नल एंट्री तो सेम है, क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। जो एडवांस पेमेंट वाला सब है जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट की एंट्री है शायद, यस इस सब में एडवांस की एंट्री है, जरा ध्यान देना। अप्रैल 2019 7 मार्क, अभी यहाँ पे 7 मार्क इसलिए है बिकॉज पहले जो पेपर पैटर्न था 15-15 मार्क का सम आता था, इसलिए 7-8 7-8 का कॉम्बिनेशन होता था। बेटा आप उधर ही वेट करो ना, यहां तक अभी ये 7 मार्क्स का सम आपको आया है, 7 मार्क्स का सम है, बट आपके एग्जाम में ये 10 मार्क्स के लिए रहेगा सिमिलर सम, कुछ नया चेंज नहीं होने वाला। मार्वल लिमिटेड इंपोर्ट फ्रॉम लैडसन लिमिटेड जर्मनी वर्थ $2,00,000 ऑन 30th November 2017 व्हेन एक्सचेंज रेट वॉज 69। हमने 30 नवंबर को जर्मनी से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया मतलब परचेज किया, कभी परचेज किया है? डेट याद रखना 30 नवंबर, 30 नवंबर को खरीदा है,
$2,00,000 और उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 69। द पेमेंट वॉज मेड एज फॉलो, 12 नवंबर को उसने $1,00,000 का पेमेंट कर दिया जबकि खरीदा है 30 नवंबर को, बट पैसा 12 को ही दे दिया है, मतलब ये एडवांस पेमेंट की एंट्री है। ठीक है, तो एडवांस वाला जिसको डाउट था वो इधर ध्यान देना। एक्सचेंज रेट दिया गया है, फिर उसके बाद का है 17 दिसंबर 25 जैन, एक ही अकाउंटिंग ईयर है, मार्च में साल कंप्लीट हो रहा है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, मार्वल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, बराबर है? रहने दो, मत ओपन कर। मार्च से अप्रैल कैलेंडर बना दिया, आपका पहला है 2017 नवंबर है, तो 18 17 18, क्लियर? मार्किंग करता हूं, सबसे पहला 30 नवंबर को मैंने सामान इंपोर्ट किया है, मतलब मैंने परचेस किया है, तो यहाँ पे 30 नवंबर को मैंने परचेस किया है, कितना परचेस किया है, $2,00,000, डॉलर का रेट है 69। समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक? उसके बाद 12 नवंबर को, मतलब इसके पहले की तारीख में 12 नवंबर को पेमेंट हो चुका था $1,00,000 का, डॉलर का रेट चल रहा था 68। मार्किंग क्लियर कुलदीप? उसके बाद क्या है, 17 दिसंबर को $50,000 70 में, तो 17 दिसंबर पेमेंट हुआ कितना, $50,000, डॉलर का रेट है 70। वॉइस नहीं आ रहा है, 2 मिनट रुक बेटा, बेटा कुलदीप कौन है वहां पे, हेलो अभी आवाज आ रही है, चेक कर बेटा। अभी ओपन मत करना, बंद ही करके रख, आवाज नहीं आ रही बेटा, एक सेकेंड रुक। हेलो हेलो, अभी आवाज चेक कर। इस लेक्चर का जो भी लेक्चर हो रहा है इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा, अभी आवाज चेक करो अभिषेक, तू नहीं है स्ट्रीम लाइव है क्या? स्ट्रीम लाइव होने का रीजन है ना, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। अभी चेक करो, अभी चेक करो, आवाज क्लियर है, दोनों माइक चालू किया बेटा। अच्छा ठीक है, एक मिनट माइक ऑफ कर देता हूं दूसरा, अभी चेक करो, अभी चेक करो, अभी चेक करो, फाइन दूसरा माइक बंद किया अभी। ए, 2 मिनट शांत रहो ना तुम लोग पहले, फाइन बेटा लैग अभी वो इंटरनेट की वजह से बेटा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको यूट्यूब पे वापस मिल जाएगा। आवाज चेक कर लो, क्लियर है अभी आवाज, क्लियर है? चले ठीक है, ध्यान दे। गुड मॉर्निंग, ध्यान दे बेटा, मार्किंग हो गया। 25 जैन को $50,000, डॉलर का रेट चल रहा है 67, और कुछ बोला है क्या, नहीं। मैंने कितना डॉलर परचेस किया था, 2 लाख, एक का पेमेंट हुआ 50 और 50, हो गया 2 लाख का पेमेंट, मतलब कोई बैलेंस है क्या, नहीं। सिंपल एविएटर अपने को सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, बट जो भी जर्नल एंट्री पास करोगे वो डेट वाइज ही जाएगा, जरा ध्यान दो, समझ का ध्यान दे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है पेमेंट, पेमेंट करेंगे क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान देना। तो आपने इंपोर्ट किया है, मतलब आप पैसा देने वाले हो, तो आपने पहला $1,00,000 का पेमेंट किया है, कितना 68 पेमेंट किया, तो पैसा जा रहा है, किसको दिया ये पैसा, मार्वल लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम लैटिन, बराबर है? तो हमने पेमेंट इसी को किया है, तो पैसा जा रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड लार्सन अकाउंट डेबिट, कितना $1,00,000 पे 68 लाख एंड 68 लाख, क्लियर? डन है ये। बट क्या मैं इधर एक्सचेंज डिफरेंस फाइल करूंगा, नहीं। इसका एक्सचेंज डिफरेंस कब होगा, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है, तो एडवांस पेमेंट है, तो इसको कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं अभी,
कि भाई मैंने पेमेंट इतना कर दिया, किससे कंपेयर करूं? तो जब सामान खरीद लोगे या बेचोगे, एडवांस के केस में क्या होगा, पहले आप एडवांस की एंट्री पास करोगे, उसके बाद जब भी आप खरीदोगे या बेचोगे तब एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट होगा, उसके पहले एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट नहीं होगा इस पेमेंट के एंट्री में। सभी क्लियर है? सभी उसके बाद डेट वाइज जाएंगे तो वापस से नवंबर में परचेज किया है, परचेज किया तो सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया है, लाइसेंस से, कितना, $200,000 इंटू 69 करो कितना आ रहा है, 1,38,00,000, 1,38,00,000। अब इस सिचुएशन में एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट होगा। आपने जब सामान खरीदा तो डॉलर का रेट कितना था, जब आपने उसको एडवांस दिया था डॉलर का रेट क्या था, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? आज मैं खरीद रहा हूं, डॉलर का रेट है 69, मतलब जो बिल बनेगा वो 69 का ही बनेगा, मैंने उसको पेमेंट कितने करके रखा था 68, मतलब $1 कम किया था, मेरे लिए फायदा हुआ। जो भी फायदा है FCF अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किसके वजह से, लाइसेंस की वजह से, मतलब जो एडवांस दिया था, कितना, $100,000 पे $1 का फायदा, मतलब $100,000 का फायदा। मैंने नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेटेड नहीं, तुम लोग का सबका आवाज जाता है उधर, क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, आगे फिर से पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, $50,000 70 के हिसाब से पेमेंट किया, मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है किसके पास, लैरिसन के पास, कितना, 50 × 75 = 35 lakhs। अब यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट होगा, खरीदा था 69, पैसा दिया भाई 70, मतलब ज्यादा दे रहे हो, तो लॉस है, $1 का लॉस है 50,000 पे, तो FCF अकाउंट डेबिट टू लैरिसन 50,000। आई होप ये समझा, फास्ट नहीं था ना, समझा पूरे। वापस से पेमेंट किया, फिर से पैसा जा रहा है लैरिसन के पास जा रहा है, बराबर है, कितना, तो 50 × 67 = 3350, 3350 बराबर है। अब खरीदा था कितने में, पैसा कितना दिया, $2 कम दे रहा, फायदा है, FCF अकाउंट क्रेडिट, लाइसेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 50 × 2 करोगे $1,01,000, और कुछ नहीं। साल खत्म हो गया है, जब साल खत्म हो रहा है इसका मतलब ये है FCF अकाउंट बनाएंगे, जितना भी FCF ढूंढो भाई, क्रेडिट में दिख रहा है $1,00,000, FCF क्रेडिट में दिख रहा है 50, बराबर सर, क्रेडिट में दिख रहा है ना 50, इधर डेबिट में डाल दिया, प्रिंट आप करेक्शन कर लेना, फिर क्रेडिट में दिख रहा है $1,00,000, ये 50 भी इधर ही आएगा, अच्छा डेबिट बराबर है, फिर मेरे को उधर क्रेडिट दिखा, ये डेबिट में ये बराबर है, बाकी ये क्रेडिट $1,00,000, टोटल $2,00,000, 2,50,000 माइनस करोगे $1,50,000 आएगा। कौन से साइड पे बैलेंस आया, अबाउट डेबिट पे, तो इसकी एंट्री है FCF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $1,50,000, 1,50,000। समझ में आ गया, फॉरेन करेंसी के सम्स एग्जाम में कैसे आते, अब समझ में आ रहा है? देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ये टॉपिक सिंपल है, टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस, मैंने तीन टॉपिक बोला पहले, वो तीन टॉपिक अच्छे से कर लो। सबसे पहला है फॉरेन करेंसी, दूसरा है अंडरराइटर, तीसरा है लिक्विडेशन, फिर बोल रहा हूं लिक्विडेशन करो, ये तीन टॉपिक अच्छे से करो। ये टॉपिक हो जाने के बाद आपको लग रहा है कुछ और पढ़ना है, अगर मार्क्स निकालना है तो आप अमालगमेशन की तरफ जाओ, और अमालगमेशन करोगे तो LLP में एक और टॉपिक है कन्वर्जन वाला, जो कि इक्विवेलेंट टू अमालगमेशन है, वो आप कर लो, देन गो फॉर LLP इफ यू वांट। और आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर अमालगमेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, और LLP सिंपल है, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है उनको समझ में आ रहा है टॉपिक, जो नहीं कर रहा उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोलूंगा वो सुनेगा खाली, तो उनको अगर मेरा ही सुनना है तो पहले ये तीन टॉपिक पे फोकस करो, फॉरेन करेंसी, अंडरराइटर्स, LLP, सॉरी लिक्विडेशन, LLP नहीं लिक्विडेशन। ये तीन टॉपिक करने के बाद दूसरा कोई भी टॉपिक पे आप हाथ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी ऑप्शन किसी के साथ भी आएगा। इट इज नॉट डिसाइडेड कि अमालगमेशन के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी आएगा, या अमालगमेशन के ऑप्शन में LLP आएगा, या अमालगमेशन के ऑप्शन में लिक्विडेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पेपर पैटर्न डिसाइडेड रहता था, अब यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न डिस्क्लोज ही नहीं करता है। क्या होता है, पेपर पैटर्न डिस्क्लोज करने से लोगों को मालूम पड़ता है भाई इतना ही पढ़ने का, छोड़ना, इसलिए पेपर पैटर्न डिस्क्लोज नहीं है, कोई भी ऑप्शन किसके साथ दे, खाली इतना है 20-20 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे, आप देख लो, क्लियर। फॉरेन करेंसी और एक समय क्या, हाँ लास्ट समय मेरे को ऐसा लग रहा है,
इस क्वेश्चन में क्या पास करना है, फिर से जनरल एंट्री है, एक्सपोर्ट वाला है। देखो दो सम हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये अप्रैल 2019 में 8 मार्क के लिए, अभी यहाँ पे 8 मार्क क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 2019 के टाइम पे 15 15 मार्क का पेपर पैटर्न था। आप लोगों को 10 10 मार्क के लिए ही आएगा, 8 मार्क के लिए नहीं आने वाला। चलिए सबसे पहला ईयर एंड क्या है, 31 मार्च, तो कैलेंडर बना लिया 31 मार्च, अप्रैल से मार्च। परचेज किया 1 जनवरी 2018, जनवरी 2018 है तो ये अप्रैल से 18 का कैलेंडर बनेगा। अब एक एक करके प्लॉटिंग करते हैं। MNC Limited exported goods from of ELC Limited in New York worth $75,000 on 1st Jan 2018 on which date exchange rate was $1 for 70. कौन से तारीख को एक्सपोर्ट किया? 1st Jan. एक्सपोर्ट यानी कि सेल्स किया, कितना सेल्स किया डॉलर का रेट? अमाउंट वॉज रिसीव, भाई पैसा कैसे मिला? तो 15 जैन को पहला पैसा मिला है कितना डॉलर का, तो यहाँ पे बोला इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे डॉलर नहीं दिया है, इधर बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, $75,000 टोटल मेरे इंपोर्ट से एक्सपोर्ट किया है, तो इसका 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 25,000 25,000 25, कैसे? 75 डिवाइडेड बाई 3, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट 15 जैन, दूसरा 10 फेब और 25 फेब, अरे मार्च में तो साल खत्म हो जाता है, मतलब 2 अकाउंटिंग ईयर, समझ में आया? तो पहला पेमेंट जैन में हो रहा है, जैन के कौन से तारीख को? 15 को, कितना? तो 25,000, डॉलर का रेट है 69, फिर हो रहा है 10 फेब, डॉलर का रेट है 71, पेमेंट कितना होगा? 25, फिर 25 अप्रैल आ रहा है, और न्यू अकाउंटिंग ईयर पे चले जाओगे 25 अप्रैल पे आ गए, और 25 अप्रैल को डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 68, और पेमेंट कितना होगा? 25, क्योंकि न्यू अकाउंटिंग ईयर में गए हो तो आपको 31 मार्च का ईयर एंड का रेट दिया रहेगा, डॉलर का रेट 69, बाय डिफॉल्ट वर्किंग हर सम में ऐसा ही है, क्लियर हो गया ये? चलिए आ जाते हैं वर्किंग की तरफ, देखते हैं वर्किंग कैसे सॉल्व हो रहा। आगे सबसे पहला ट्रांजैक्शन वाइज जाएंगे, सेल्स करेंगे, सेल्स करेंगे तो सामान, किसको सामान बेचा? तो ईएलसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 75 इंटू 70, फटाफट से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 75,000 इंटू 70, 52,50,000। कुलदीप कंट्रोल बेटा, तेरी आवाज जाती है लाइव में, बोलो तेरे को लेजेंड समझ रहे, 52,50,000, समझाइए कुलदीप, ध्यान दे, पेमेंट किया समीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? सेल्स किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन देगा ये पैसा? ईएलसी, कितना दे रहा है? तो 25 इंटू 69, 17,25,000, 17,25,000, फायदा के नुकसान, फायदा या नुकसान? बेचा था 70 में, पैसा आया 69, इसका मतलब $1 का लॉस, जो भी लॉस है एफईएफ में डेबिट हो जाएगा, किसके वजह से? समझाइए कितना, 25 इंटू 69 मतलब 1 69 इंटू 1। नेक्स्ट फिर से पेमेंट कर रहे हो, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ईएलसी, 25 इंटू 71, 17,75,000, 17,75,000, फायदा हुआ या नुकसान? 70 में बेचा था, 71, $1 का फायदा, जो भी फायदा है एफईएफ में क्रेडिट डेबिट ईएलसी, अब 25 की वाला $1 का इंटू 1, वेरी गुड, साल खत्म हो गया। तो अभी मैंने आपको एक बार वर्किंग बताया था, साल खत्म होता है तो क्या करने का, तो साल खत्म होने के बाद बैलेंस चेक करेंगे, मैंने सामान कितना बेचा, पैसा कितना आया, अभी भी कितना बाकी है? $25,000 बाकी है, अगर उसका पेमेंट होता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मैंने कितने में खरीद बेचा था, मतलब मुझे $1 का लॉस होता, मतलब 25,000 का क्या होता? और जो भी लॉस होता वो एफईएफ में डेबिट होता, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू ईएलसी की वजह से, पहला एंट्री ये आएगा बैलेंस की जमा एंट्री। अब एफईएफ अकाउंट बनाएंगे, जितना भी एफईएफ ट्रांसफर करेंगे
एफईएफ डेबिट में 25, एफईएफ क्रेडिट में 25, एफईएफ डेबिट में 25, टोटल करेंगे ये साइड 50, क्रेडिट में आया एफईएफ क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंट्री समझा, एक साल कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? पक्का 100%? चलिए पूरे जाते, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आते, पेमेंट करेंगे, मतलब पेमेंट मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टीएलसी कितना भाई? 25 × 68 17 लाख 17 लाख बराबर। जब बेचा था तब डॉलर का रेट कितना था? आज डॉलर का रेट क्या चल रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस है, मतलब एफईएफ डेबिट टू टीएलसी 25 25 खत्म। अभी जैसे राजू ने डाउट पूछा, सर अगर मुझे लेजर बनाने का, तो आप बना लो भाई लेजर बनाने का, तो एफईएफ अकाउंट डेबिट, तो भाई मैंने एफईएफ अकाउंट डेबिट सेकेंड अकाउंटिंग ईयर में एफईएफ बनाया, और कुछ है क्या? नहीं, टोटल किया बैलेंस कितना आया? 25। इधर क्रेडिट, तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर नहीं किया तो चलेगा क्या? अरे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, एक ही एफईएफ है, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते, ये मैंने रेगुलर लेक्चर्स में ही बता दिया। जाने यहां तक, चलिए डन सबको। आई थिंक ये लास्ट समय, यस। एफईएफ मतलब फॉरेन करेंसी का लास्ट, इसके बाद अंडर राइटर्स चालू हो जाएगा। 5 मिनट बाद चाहिए ब्रेक दे दूंगा, बट अभी इधर ध्यान दो, मोस्टली देने वाला नहीं हूं, बट ध्यान दो। सुरेश लिमिटेड एक्सपोर्टेड, क्योंकि नहीं पॉसिबल नहीं है, सुरेश लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू हैप्पी लिमिटेड फ्रॉम यूएस वर्थ $50,000 ऑन 15 फेब को मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, बट जैन में पैसा मिल गया एडवांस, फिर बाद में बाकी सारे पेमेंट दिए गए। क्या सॉल्व करना है? प्रिपेयर एफईएफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुरेश, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुरेश फॉर 2017 and 18, मतलब 2 साल का जर्नल एंट्री, और जो मैं रफ में अकाउंट बना रहा था ना एफईएफ, उसको फेयर में बनाने, बस और कुछ करना नहीं है, मतलब जर्नल एंट्री है खाली, उसको आपको क्या करने का, फेयर में प्रिपेयर करना। सबसे पहला कैलेंडर बना दिया, कौन सी ईयर का है? 2017 फेब है, तो ये 16 और ये 17 हो जाएगा। मार्किंग स्टार्ट करूंगा, 15 फेब को पहले मैंने एक्सपोर्ट किया, मतलब सेल्स किया, कितना सेल्स किया? डॉलर का रेट क्या है? बराबर। जैन को एडवांस मिला है $10,000 का, डॉलर का रेट है 66। जैन को एडवांस मिला है $10,000, डॉलर का रेट 66। 15 मार्च को $20,000 का पेमेंट हुआ, 15 मार्च को पेमेंट हुआ $20,000, डॉलर का रेट 67। अप्रैल न्यू अकाउंटिंग ईयर में आ गए, अप्रैल $15,000, डॉलर का रेट 66। मई $5,000, डॉलर का रेट 64। और कुछ वर्किंग क्लियर? क्योंकि दो अकाउंटिंग ईयर में, तो ईयर एंड दिया रहेगा और ईयर एंड का रेट दिया है, सो इस प्रोसेस ऑफ बुक्स एवरी ईयर, और डॉलर का एक्सचेंज का रेट कितना है? 60। कंपल्सरी सेम वर्किंग हर सब में कॉमन है। अब डेट वाइज आएंगे, सबसे पहला जैन, पैसा आ रहा है कि जा रहा है पहले ये समझना है। एक्सपोर्ट किया मतलब सेल्स किया, जब आप सेल्स करने वाले तो उसके सामने वाले पैसा आपको एडवांस दिया रहेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी, हैप्पी को भेजा ना मैंने, तो हैप्पी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना? $10,000 इंटू 66, तो 10,000 इंटू 66 60,000। डन, यहां तक क्लियर? फिर सेल्स किया, पेमेंट किया, एक्सचेंज डिफरेंट आएगा नहीं क्योंकि एडवांस पेमेंट है। अब सेल्स किया है तो सामान जाएगा किसको? बेचा हैप्पी, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हैप्पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50 × 65 30 to 50 30 to 50। अब फायदा या नुकसान, बेचा कितने में, पैसा कितना आया था? $1 ज्यादा आ गया था। फायदा है मतलब एफईएफ अकाउंट क्रेडिट और हैप्पी अकाउंट डेबिट कितना? $10,000 पे $1 का फायदा, इस पे कैलकुलेट होता, इस पे नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, पेमेंट किया कितना? 20। तो 20 का पेमेंट किया मतलब पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी 20 × 67 1340। अरे ये समझ में आ गया? फायदा नुकसान,
बेचा था कितने में, पैसा कितना आया? $2 ज्यादा आया, तो 20 × 2 40 का फायदा हुआ, FEF क्रेडिट और हैप्पी अकाउंट डेबिट 40,000 40,000। क्लियर है? साल खत्म हो गया, साल खत्म हुआ तो क्या देखेंगे अपन? एक्सचेंज डिफरेंट बैलेंस के ऊपर कितना बैलेंस है। तो $50,000 बेचा था, 10 और 20 कितना आया? 30। तब इधर बैलेंस कितना है? अगर इसका पेमेंट हो रहा है तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? बेचा कितने में था? ज्यादा पैसा मिलता है ना, $3 ज्यादा मिलता, 65 $3 ज्यादा मिलता ना, मतलब ज्यादा मिलता, प्रॉफिट होता, जो भी प्रॉफिट होता एफईएफ में क्रेडिट और हैप्पी अकाउंट डेबिट 60,000 कर ले। क्या अभी एफईएफ अकाउंट बनाएंगे? बट यहाँ पे एफईएफ फेयर बना देता, जो रफ में बना रहे थे उसे फेयर बना दिया, कॉलम मिलम डेट बीट सब लिख दिया सिस्टमैटिक। पहले टी फॉर्मेट में छोटा सा बनाया था, अभी पूरा बना दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, करना वही काम है, कुछ भी नहीं, पहले खाली अमाउंट लिख रहा था, अभी नाम भी लिख दूंगा। FEF क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में कितना है? 10,000। तो क्रेडिट में 10,000 लिखना है, तो तारीख कौन सा तारीख है? 15। किसके वजह से? हैप्पी, 10,000। बस ये डिफरेंस है, समझा आपको? फिर FEF क्रेडिट में दिख रहा है 40,000, क्रेडिट में दिख रहा है किसके वजह से? हैप्पी की वजह से। FEF क्रेडिट में दिख रहा है 60,000, साल खत्म, टोटल ले लेंगे 1,10,000, 1,00,000 बैलेंस कितना आया? 1,10,000। इसकी एंट्री क्या आएगी? FEF डेबिट, तो यहाँ पे FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000, 1,10,000। समझाइए, नए अकाउंटिंग ईयर में आएंगे, पेमेंट की एंट्री आ रही है, पेमेंट की एंट्री आ रही है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है सेल्स किया तो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी, कितना पैसा दे रहा है? 15 × 66 कितना आ रहा है? 15 × 66 9,90,000। अब इसमें अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? फायदा या नुकसान, समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए, तो भाई मैंने जो पेमेंट किया डॉलर का रेट क्या था? बेचा कितने में था? कम मिला, मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ तो FEF डेबिट और हैप्पी अकाउंट क्रेडिट, कितना? 15 पे $2, मतलब 30,000। अंडरस्टूड? फिर वापस से पेमेंट आया $5,000 का, कैश और बैंक टू हैप्पी, 5 × 64 करोगे कितना रहा है? 3,20,000, 3,20,000 बराबर है, जीरो बराबर डालना कैलकुलेटर पे, नहीं तो इधर ही मिस्टेक करोगे, आता तो सब है लेकिन अमाउंट एक जीरो की वजह से सम रॉन्ग हो जाएगा, जरा ये ध्यान में रखना। अब बेचा कितने में था? पैसा कितना आ रहा है? कमी आ रहा है, $4 का नुकसान, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो लॉस है FEF डेबिट टू हैप्पी 20,000। क्लियर? FEF अकाउंट बनाया, देखो एक साल का हो गया था, जो उधर बना था वही सेम है। अब इस साल FEF डेबिट में, तो भाई डेबिट में टू हैप्पी कितना है? 30,000। फिर FEF डेबिट में टू हैप्पी कितना? 20। और कुछ है इस साल? टोटल किया कितना है? 50। किधर आया क्रेडिट में? तो FEF क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेगुलर बैठे हो लेक्चर, तो फटाफट समझ में आ जाएगा और रिवीजन हो जाएगा, क्लियर है? और जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो, थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा दिल पे लोगे कि करने का है, तो आज जितना थोड़ा बहुत भी समझा उसके अगर रेगुलर वीडियो देख लोगे तो ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। अभी जो मैंने सम लिया है सब पास्ट पेपर का सम लिया है, आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई नहीं करना ही है और 10 मार्क तो लाना है। अगर बोनस नसीब अच्छा तो 20 मार्क का भी सम आएगा ये, और 20 मार्क का ऐसा ही सम आएगा, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। सर लोन का क्या है, लोन का क्या करने का है? अगर कुछ भी डाउट है, क्योंकि इसके बाद शायद अंडरराइटर्स ही चालू होने वाला है, यस इसके बाद अंडरराइटर्स ही है, तो आप लोग को अगर कुछ भी पूछने का है, या लाइव जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ भी पूछने का है, यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग, उसके बाद अपन अंडरराइटर्स की तरफ चले जाएंगे। आप लोग थोड़ा आवाज कम रखना, बिकॉज आपकी आवाज माइक में जाती है। लाइव जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सचेंज रेट सेम असेल तर क्लोजिंग एंट्री काय येणार? वेरी गुड, अगर एक्सचेंज रेट सेम रहेगा क्लोजिंग पे भी और इस पे भी, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने बेचा था 65 और एक्सचेंज रेट भी 65 है, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, समझ में आ रहा है? एक्सचेंज डिफरेंट कब आता है? जब डॉलर का रेट चेंज होता है तब आएगा।
बैंक चार्जेस का डाउट है तो देखो, बैंक चार्जेस का अगर डाउट तो एक सम है जिसमें जब भी आप कोई सामान परचेज कर रहे हो या बेच रहे हो तो बैंक आपसे चार्ज ले रहा है। अब परचेज करने के टाइम पे बैंक आपसे चार्ज ले रहा है तो आपको पैसा कम आने वाला है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देने का मतलब जितना पैसा आ रहा पहले उसकी एंट्री पास कर लो और फिर उसमें से बैंक चार्जेस माइनस कर दो। आपको पे करना है तो पैसा जाएगा और रिसीव कर रहे तो पैसा आएगा। बट क्या हो गया बेटा? नहीं, वो उनका डाउट है बेटा, क्या बैंक चार्जेस का? अच्छा टाइगर श्रॉफ ध्यान दे, व्हाट इज बैंक चार्जेस? एग्जांपल, जब आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो तो बैंक बोल रहा है कि भाई अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन तो हम आपसे चार्जेस लेंगे। तो सामने वाले ने 10 लाख मुझे ट्रांसफर किया, पैसा दिया, तो क्या 10 लाख पूरा मिलेगा? बैंक अपना चार्जेस कम करेगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा 10 लाख की पहले, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हैप्पी लिमिटेड, 10 लाख 10 लाख। लेकिन 10 लाख में से 1000 बैंक चार्जेस चला गया, उसकी सेकेंड एंट्री पास किया मैंने, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 1000। समझा? एक्सचेंज डिफरेंस में 10,000 का ही जो 10 लाख की एंट्री उसकी ही आएगी, लेकिन चार्जेस की एंट्री है तो इसे पास कर देने। कंबाइंड एंट्री किया तो चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूनम, लोन मेथड, ना लोन मेथड के सम्स को मैं अभी क्लियर बोल रहा हूं, बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, लेकिन लोन मेथड में होगा क्या? लोन मेथड में ना एक्चुअल में 2019 के पहले जब फॉरेन करेंसी का लेक्चर्स होते थे ना, तो उसमें लोन मेथड का सम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उसका रीजन ये कि फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉरेन करेंसी में डील कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है पैसे देने के लिए, तो मैंने बैंक से लोन लिया। अब लोन लिया तो बैंक को इंटरेस्ट भी देने का, और फिर मेरे को उसका पेमेंट भी करने का। अब वो जो लोन है वो आउट ऑफ इंडिया का अगर है तो डॉलर्स में रेट भी चेंज होता है, तो उस पर एक्सचेंज डिफरेंट भी कैलकुलेट करो पेमेंट के टाइम पे, इंटरेस्ट पे भी एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है तो। एक सम आपके टेक्स्ट बुक में है और पिछले साल मैंने उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ है, मशीनरी परचेज ऑन लोन करके इन फॉरेन ट्रांजेक्शन। आज ही लेक्चर के बाद वो वीडियो आपको शेयर करता हूं, एक बार गो थ्रू करो बेटा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। लोन के आने के चांसेस मेरे को अभी भी बोल रहा हूं 1% 0.1% चांसेस लग रहा है कि आएगा, क्योंकि आप लोग का लेवल बोर्ड को मालूम है कि हम कोविड वाले लोग हैं। 13 हमने कोविड में निकाला, 14 हमने कोविड में निकाल लिया है, 14 तो दिया है, 12 की बात करो, 12 और 13। तो इस केस में ये साल का जो बैच है इसको कैसे भी इजी इजी करके निकाल देंगे, इसके बाद के बैच को नहीं निकालेंगे बिकॉज ये सब एग्जाम्स देते देते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये साल के जो पेपर्स होंगे वो सिंपल ही रहेगा। सर 3 चैप्टर इनाफ है क्या? यस 3 चैप्टर इनाफ है 50 मार्क निकालने के लिए। इसका पीडीएफ लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा बेटा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, आपने जितना पढ़ाई किया है डेफिनेटली उतना ही आएगा। स्टार्ट करें, चलिए अंडरराइटर्स पे जाते हैं। सबसे पहला चीज, वर्किंग का कोई मार्क्स नहीं रहता बेटा, जरा भी वर्किंग का मार्क्स नहीं है। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरराइटर्स। पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं फिर टॉपिक की तरफ जाता हूं, क्योंकि इंट्रो रहेगा तो कनेक्शन मिलेगा पूरे लेक्चर में। ध्यान दो, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या होने वाला है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर आपकी कंपनी के आपको शेयर्स बेचने जो कि आपसे बिक नहीं रहे, आपकी कंपनी के, मेरी कंपनी के शेयर्स मुझे बेचने जो बिक नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, 3-4 अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया और उनको बोला मेरे शेयर्स बेच के दो। अब मैं उनके हाथ में शेयर्स नहीं दे रहा हूं, मैं इनको बोल रहा हूं तुम लोग लेके आओ और लोगों को बोलो कि तुमने भेजा है। तो ऐसे जब भी मेरे पास लोग आ रहे तो बोलते भाई मेरे को इसने भेजा है, सर मेरे को इसने भेजा, सर मेरे को इसने भेजा, वो नाम लेते, उसे कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन।
मतलब जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं उस पर नाम लिखा हुआ है कि इस बंदे ने भेजा, इस बंदे ने भेजा, इस बंदे ने भेजा, बराबर है। और ऐसे कुछ लोग अचानक आ रहे, ऐसे ही आ जा रहे, किसने भेजा मालूम नहीं, आ जा अनमार्क। अब लॉजिक ये है, मुझे 50,000 शेयर अगर बेचने गए तो 50,000 शेयर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अंडरराइटर्स की है, मैं नहीं बेच सकता हूं। वो 50,000 शेयर कौन बेचने वाला है? अंडरराइटर्स। बट अंडरराइटर ने सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोग को ही भेजा है, बाकी 25,000 तो कहीं और से आ गए, या हो सकता है 20,000 कहीं और से आ गए, या हो सकता है और कम आए, डिपेंड करता है, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मालूम है किसने भेजा है उसे कहेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, और पता नहीं है किसने भेजा उसे कहते हैं अनमार्क। जब भी कंपनी को कोई एप्लीकेशन रिसीव होगा, जब भी कंपनी को कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होगा तो कंपनी उसका दो बंटवारा करेगी, अरे ये मार्क्ड वाला है बाजू में रखो, ये अनमार्क्ड वाला है बाजू में रखो। तो हमेशा याद रखना जितने शेयर्स बेचने हैं उसमें से कितने शेयर्स बिके हैं, एप्लीकेशन कितना आया है, बिके मतलब एप्लीकेशन कितना आया है, उसके दो भाग कर दो, एक मार्क्ड और एक अनमार्क्ड। मार्क्ड है मतलब जिसका है उसको दे दो, और अनमार्क्ड है तो जो बचा हुआ शेयर है अनमार्क्ड है उसे आप जो अंडरराइटर्स ने ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो लिया था उस रेशियो में बांट के उनके नाम पर ट्रांसफर करो, दैट्स इट। इतना याद रखना है खाली, इतना छोटा सा बात अगर आपको याद रहता है तो आपका ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो जाएगा। सर वो फॉर्म अंडरराइटिंग, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा, ध्यान देना खाली। वो भी तुम्हारा कब प्लस करना है माइनस करना है वो भी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा ट्रस्ट को जो करवा रहा हूँ अच्छे से करवाओ, समझा? क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं सम, अप्रैल 2019 का 15 मार्क का सम है, लेकिन आपको 10 मार्क या तो 20 मार्क के लिए आया। अब क्योंकि 15 मार्क का है तो ऐसा सम आपको 20 मार्क के लिए इस साल आ सकता है। अभी के लिए अंडरराइटर्स 20 मार्क के लिए भी आएगा, 10 मार्क के लिए भी आएगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैक्स, मतलब जर्नल एंट्री भी है और लायबिलिटीज भी है, स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, क्लियर? दोनों चीज बोला, इसके लिए 15 मार्क दिया, आपको 20 मार्क के लिए आने वाला है। स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। मैक्स लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मेरी कैपेसिटी 1,00,000 शेयर्स बेचने की है। कितने शेयर्स बेचने की है? लेकिन क्या मैंने 1,00,000 शेयर बेचा ऐसा कहीं पे वर्ड बोला है क्या? कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स, मतलब मैंने कितना बेचा है सभी? सिर्फ 60,000 शेयर ही बेचा है, मैंने नहीं बेचा है, मैंने मेरे अंडरराइटर्स को बोला है भाई 1,00,000 शेयर है मेरे पास, एक काम कर तू सिर्फ और सिर्फ 60,000 शेयर ही बेच के दे। कितने में बेच के दे? तो एक शेयर का कीमत 10 रुपया है लेकिन प्रीमियम में चार्ज करूंगा 2 रुपया, मतलब 12 रुपये में एक शेयर मुझे बेच के देने आ चाहिए। और कितने शेयर बेच के देने का है? 60,000 शेयर बेच के देना है, क्लियर? आगे द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाय विकी, रिकी एंड मिकी इन द रेशियो 5:3:2, मतलब ये है कि तीन अंडर राइटर्स को मैंने अपॉइंट किया है और तीनों अंडर राइटर को बोला तुम मेरे शेयर बेच दो, ठीक है सर कितने शेयर बेचने वाले? 60,000, एक काम करो 5:3:2 में हमारे शेयर का बंटवारा करो, जो भी आएगा 5 हिस्सा आप किसको दोगे? विकी को, रिकी को और मिकी को, क्लियर? अब आगे हुआ क्या? एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 48,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलो, टोटल 48,000 शेयर्स बिके, बेचना कितना था? बिके कितने? 48 में से इतने तो मार्क्ड भी थे, मतलब 48,000 शेयर्स में से इतने मार्क थे तो बच गए वो क्या रहेंगे? और कुछ क्वेश्चन ने बोला है, बोला अंडरराइटर बोला हमको कमीशन लगेगा, कितना? 5%, तुम्हारे शेयर बेच रहे तो मुझे 5% कमीशन दो, किस चीज के ऊपर? इश्यू प्राइस। और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गया, छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आएगा तो बोनस एक खाली इतना है कि जर्नल एंट्री पूछा तो लेंदी हो जाता है, बट सम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बात करूंगा वर्किंग की, तो सबसे पहला कंपनी की कैपेसिटी देखो कितना है, 60,000 शेयर बेचने, और 60,000 शेयर बेचने के लिए अंडरराइटर अपॉइंट हुए तीन, कौन से रेशियो में बटेगा? 5:3:2, जिसे आप कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज रेशियो।
टेबल पहले से बना देके रखना है। लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर, इधर मैंने बेसिस का कॉलम नहीं बनाया, आपको चाहिए तो बना सकते हो। विकी, रिकी, मिकी एंड टोटल, ये बाय डिफॉल्ट इतना बना के रखो। ग्रॉस लाइबिलिटीज माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस आएगा, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, इतना हर सम में बना के रखो। अंडरराइटर करने वाले हो ये बना दो, ग्रॉस लाइबिलिटीज लेस मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, इतना करने का। मुझे कितने शेयर बेचने हैं, क्या रेशियो में बैठना है, तो जरा कैलकुलेटर फटफट ले लो और बताओ कितना आ रहा है। 60,000 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप मेरे को आंसर देगा, कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा। कुलदीप 60,000 इंटू 5, इधर इधर मैं जो बोल रहा हूं मेरे को उसका आंसर चाहिए, कैलकुलेटर में कुछ भी नहीं होने वाला है। 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 कहां से आया, कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये 10 कहां से आया दिनेश, मैंने कुछ बोलने नहीं बोला है, किसको 5, 3, 2 और 5 कहां से आया, तो ये किसको देने का। वेरी गुड, समझ में आया क्या। तो 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 करोगे, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 18 और इसको मिलेगा 12। यहां तक क्लियर, इसका मतलब ये विकी बोल रहा है 60,000 शेयर बेचने का है, मैं आपको सिर्फ 30,000 शेयर ही बेच के दूंगा। ये बोल रहा है 18,000 शेयर मेरे से बिक पाएंगे, ये बोल रहा है 12,000 शेयर मेरे से बिक पाएंगे। तो ये उनकी होगी ग्रॉस लायबिलिटीज, नेट लायबिलिटीज नहीं, ग्रॉस लायबिलिटीज। मतलब ऑन पेपर हमने इतना का तो प्रॉमिस लिया है, आगे क्या होगा नहीं होगा अपने को मालूम नहीं। इतना क्लियर हुआ, हाँ चलिए वर्किंग पे आते हो, जरा ध्यान देना। 60,000 शेयर बेचने थे, एप्लीकेशन कितना आया, एप्लीकेशन आया 48, 60 बेचना था 48 आया, मतलब कितना नहीं बिका, तो आपका आंसर रहेगा 12,000। आपका नेट लाइबिलिटीज का आंसर आएगा 12,000, नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है सम में, आंसर इधर ही बता दिया। 60,000 बेचना था, 48 ही बिका, मतलब 12,000 नहीं बिका है और आंसर अपना 12,000 आना चाहिए। मैंने समझा क्या बोला, जो भी एप्लीकेशन है उसे कितने पार्ट होते हैं, एक होता है मार्क्ड और एक होता है, मतलब इसके अंदर मार्क्ड भी है और इसके अंदर अनमार्क्ड भी है। तो मार्क कितना है, तो विकी के शेयर आए थे 24,000, रिकी के 8,550 और मिकी के 12,450, टोटल करो तो 48,000 में से 45 तो मार्क है, तो बचा कितना 3,000 क्या है, समझ में आया। अब ये अनमार्क कौन से रेशियो में जाएगा, GLR 5:3, तो 3,000 को 5/10, 3,000 को 3/10, 3,000 को 2/10, खत्म वर्किंग। छोटा सा सिंपल सा सम इतना ही था, ये सब 48 का बंटवारा दिखा दिया, समझ में आया। अब आ जाते हैं आंसर की तरफ, मार्क्ड एप्लीकेशन में जाएंगे भाई। मार्क्ड रिकी का कितना माइनस करना है, रिकी का कितना 8,55,12,450, टोटल 45,000 माइनस करेंगे, छठी में 24 माइनस करेंगे, माइनस नेगेटिव आएगा 450। 12,000 का प्रॉमिस किया था, इसके तो 12,000 450 शेयर्स आ गए लोग, तो इसके एक्स्ट्रा नेगेटिव शेयर्स कितने चल रहे हैं 450, मतलब इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, तो इसको वापस शेयर्स खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है क्या, नहीं। टोटल 60 में से 45 गया, 15 आएगा, 55 नहीं आएगा, 15 आएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है करेक्शन कर लेंगे बाद में। अब इसमें माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अभिषेक अनमार्क 1500, 900 और 600, 1500, 900 और 600, 3,000 शेयर माइनस करेंगे, 6,000 में 1500 माइनस करेंगे 4,500, 9,450 में 900। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, करते 450 माइनस 600 250 लिख देंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा तो 1050, क्लियर। दो ऊपर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
15,000 है, माइनस करोगे तो 12,000। बात समझ में आया? और नॉर्मल सम इधर कंप्लीट हो जाता है। बट अगर क्वेश्चन में कोई भी शेयर्स नेगेटिव आएगा, एक आया है, तो जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को एडजस्ट करेंगे। अब निकी का नेगेटिव आया है तो जिसके पास पॉजिटिव आंसर है उनको वो शेयर बांट देने का, और कौन से रेशियो में, तो उनके जो भी ग्रॉस लायबिलिटीज का रेशियो है उसमें। इसका मतलब ये है 1050 इंटू 5/8, क्योंकि अभी हमारा रेशियो है 5:3 का। दूसरा है 1050 × 3/8, क्योंकि विकी और रिकी को ही बांटना है, इसका रेशियो था 5, इसका रेशियो था 3, तो 1050 को 5:3 में बांटोगे कितना आ रहा है 656.25, और इधर कितना आ रहा है, एक सेकेंड ना खाली, हाँ बोलो कितना आ रहा है 39। अब इतना ध्यान रखो राउंड ऑफ करके 1050 आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, तो अपने हिसाब से अपन टोटल करके कर देंगे। इधर इसको दिया 656, 394 दे दिया, दोनों को प्लस करोगे 1050 होएगा। यहाँ पे दोनों माइनस होगा और ये प्लस ही रहेगा, इधर ब्रैकेट डाला नहीं, बट यहाँ पे दोनों में आपको ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज माइनस होगा, इन दोनों में वो शेयर माइनस होगा और इधर वो प्लस हो जाएगा, टोटल में डैश रहेगा। तो अब इसमें 4,500 में ये माइनस करोगे 3844, माइनस करोगे 8156, ये तो नील हो गया, टोटल 12,000 का 12,000। ये समझ में आ गया, दिस इज सेट टू बी योर नेट लाइफ, खत्म हो गया सम, समझ में आ गया। अब इस पे कैलकुलेट करना है कमीशन, ये मैं सम खत्म नहीं करा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम है। अब लेवल देख लो बोर्ड एग्जाम में क्या सम का है, तो आपको टॉपिक इसलिए मैंने बोला अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे ये तीन टॉपिक पास तो हो जाओगे, केटी नहीं लगेगा। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको केटी का टेंशन है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, जो लोग साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो केटी लगने का चांसेस नहीं है, लेकिन जो लोग अभी बैठ रहे हैं 10 दिन पहले पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट ये तीन टॉपिक करके जाओ। अब यहाँ पे कमीशन की बात चल रही है 5%, ध्यान से सुनना, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटीज एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाटएवर प्राइस मेंशन। अगर कमीशन बोला है फेस वैल्यू पे तो फेस वैल्यू क्या था 10, अगर कमीशन बोला है इश्यू प्राइस पे, इश्यू मतलब कितने में बेच रहे हो, मैं 10 रुपए का सामान है 12 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब यहाँ पे कमीशन 12 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा। कितने शेयर है 30,000 शेयर, विकी के कितने शेयर है ग्रॉस लायबिलिटी 30,000, इश्यू प्राइस बोला है मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। अगर वही जगह पे फेस वैल्यू बोला रहता तो 10, ये हो जाता आपका 36 और ये हो जाता 3,00,000। इस पे एट द रेट 5% या तो इस पे एट द रेट 5%, इधर 18,000 आ रहा है, इधर आपको आ जाएगा 15,000। अब क्वेश्चन में कौन सा बोला है इधर क्वेश्चन में बोला है इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस मतलब ये, तो 3,60,000 के ऊपर 15% के हिसाब से 18,000 एक का कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन आ जाएगा 18,000। अरे समझा, 18,000 × 12 5%, तो 18 × 12 × 5% का 10,000, समझ में आया। तीसरे का कितना है 12,000 शेयर्स, तो 12,000 शेयर्स पे इंटू 12 144 का 5% 7,000, टोटल कमीशन कितना देने का, क्लियर हो गया, एनी डाउट, वर्किंग कंप्लीट है भाई, फाइंड आउट नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर बना दिया और इधर ही मैंने कमीशन भी कैलकुलेट कर लिया। आ जाते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, बाय डिफॉल्ट 3 ही जर्नल एंट्री आती है, कभी कभी एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास कर सकते हो, डिपेंड कि करना है तो, नहीं तो भी चलेगा, वापस हो, नॉर्मली 3 जर्नल एंट्री आती, कौन सी 3 जर्नल एंट्री, सबसे पहला जो नेट लायबिलिटीज है आपकी वो आपको खरीदना पड़ेगा, शेयर्स बेचने की जर्नल एंट्री, अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटीज की जर्नल एंट्री एक, दूसरा कमीशन की एंट्री, तीसरा पेमेंट की एंट्री, मतलब 3 ही जर्नल एंट्री आती है,
चौथा जर्नल एंट्री क्या है? तो चौथा जर्नल एंट्री है जो आपने शेयर बेचना बेचने का प्रॉमिस किया था, जो एप्लीकेशन आपको आया है उसकी जर्नल एंट्री। अगर ये करना है तो ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। वापस सुनो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं ये बात, आपको कितने जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है? तीन। एक तो जो नेट लायबिलिटीज है उसका, दूसरा कमीशन का, तीसरा कितना पैसा आना है कितना पैसा जाना है। तीन ही जर्नल एंट्री बराबर। चौथा जर्नल एंट्री क्या है? तो जो भी शेयर्स आपके बिक गए उसके बाद आपको पैसा मिला रहेगा, तो उसका एक कंबाइंड एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। इस क्वेश्चन में किया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये एंट्री नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहां पे पहला एंट्री हमने शेयर बेचने की पास किया है, तो शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा और शेयर जाएगा, ये भी प्रीमियम में, तो पैसा आएगा। कितने शेयर बिके? एक शेयर पे कितना मांगा? 12। मैंने नहीं, क्वेश्चन में बोला है 12। मल्टीप्लाई किया 2, कैपिटल कितने का गया? 10 का। प्रीमियम कितना? 2 रुपया। तो ये हो गया 4,80,096, टोटल 5,76,000। ये वो एंट्री है, अगर कर सकते तो ठीक है, जितना एप्लीकेशन आया उसकी जर्नल एंट्री पास करो। कर सकते हो? हाँ। अब बढ़ते आगे, नॉर्मल जो अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे, किसको किसको नेट लायबिलिटीज आया? विकी को, रिकी को। इसको आया है क्या? मतलब इनको शेयर खरीदना पड़ेगा। इसको कितने शेयर खरीदने? 3,844। इसको कितने शेयर खरीदने? 81 शेयर खरीदने हैं। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, इनके नहीं भाई। शेयर खरीदने मतलब इनको शेयर देने का है। शेयर आएगा कि जाएगा? इसके पास जाएगा। तो विकी अकाउंट डेबिट, रिकी अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर 2, शेयर प्रीमियम। शेयर्स गया, शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। किसको देने का है? अंडरराइटर विकी, अंडरराइटर रिकी। अरे समझा? चलो अमाउंट का कैलकुलेशन करते, कितने शेयर्स बेचने थे? क्योंकि 60 बेचने थे, 48 बिके ना, तो 12 तो इनको ही खरीदना पड़ेगा। तो 12,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से 1,20,000, और प्रीमियम कितना? मतलब टोटल कितना पैसा लेने का? 1,44,000 लेने का। उसमें से विकी से कितना लूंगा? 3,844 इंटू 12, 46, 8,156 इंटू 12, 97,872। प्लस करके चेक करो, 1,44,000 आता है क्या? नहीं। ये दोनों को प्लस करो और ये दोनों को प्लस करो, देखो अमाउंट सेम रहेगा। करके देखो सर, इधर 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे इश्यू प्राइस 12 रुपया है, तो इनसे 12 रुपया लूंगा। कितने शेयर बेचने की गारंटी है? मत बनकर 3,844 और 8,156 डन है। अरे समझा? ये पक्का केविन 100%। तो सबसे पहला अंडरराइटर का ये एंट्री आएगा। अब इनको कमीशन देंगे, तो कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है डेबिट में आएगा। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट। तू किसको देने का भाई? तीनों को देने का है, विकी को भी देने का, रिकी को भी देने का और मिकी को भी देने का। हाँ या नहीं? इसको 18,000, इसको 10,000, इसको 7,200, टोटल कितना? 36। ये हो गया अंडरराइटर। अब हिसाब मारेंगे। पहले गया विकी के पास, विकी बोल रहा है कि मेरा कमीशन दो कितना। तो मैंने बोला कमीशन से पहले तूने मेरे शेयर्स का पैसा देने का है, तेरे को कितना पैसा देने का है और मेरे से कितना मांग रहा है? विकी जो है, विकी, उसको मैंने बोला मेरे से शेयर्स खरीदना पड़ेगा। कितने का शेयर्स खरीदना है? 46। और उसको कमीशन कितना देने का है? 18। मतलब इससे पैसा लेने का है। रिकी कितना पैसा लेने का है? देने का कितना है? मतलब इससे भी पैसा लेने का है। मिकी को तो देने का ही है, तो यहाँ पे दो जन से पैसा मिलेगा और तीसरे को पैसा देंगे। पैसा मिलेगा मतलब पैसा आएगा। कौन देगा? विकी और रिकी। कितना? तो विकी कितना देगा? 46,128 में से 18,000 माइनस 28,128। रिकी कितना देगा? 97,000 में से 10,887। दोनों का टोटल कितना? 1,15,200। समझा एविएटर? अब मिकी को तो पैसा देने का ही है, तो पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट, अंडरराइटर मिकी अकाउंट डेबिट। 7,200। जर्नल एंट्री इतना ही है, 1, 2 एंड 3। ये एक्स्ट्रा एडिशन है। अगर आपने ये एंट्री नहीं पास की है तो कोई इशू नहीं, बट आप इतना सॉल्व करके आओ, मार्क्स पूरे मिलते। क्लियर है? पक्का समझा?
100% मैंने जनरेटिस भी करवाया लेक्चर्स में, इसके लिए बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, सेकेंड एंट्री फिर से एक बार, कौन सा बेटा ये वाला देखो, अंडर राइटर्स यहाँ पे नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटीज, इसका मतलब है शेयर बेचना है, शेयर बेचना है तो शेयर जा रहा है, प्रीमियम भी साथ में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, विकी और रिकी के पास। हमको कितने शेयर बेचने, टोटल 12,000, तो 12 × 10 × 2 किया, डेबिट में 38 क्यों, तो भाई 3,844 इसको देने का है, 8156 इसको देने का है, इसका तो कुछ भी नहीं है क्योंकि नेट लाइबिलिटीज इतना ही है, मल्टीप्लाई 12 कर दिया, एंट्री पास कर। कमीशन वाला एंट्री, कमीशन अपने लिए एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस है इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट किसको देने का है, तीनों को देने का है, जो कि हमने इधर कैलकुलेट किया है, कमीशन अंडरराइटर्स को देना पड़ता है, इसलिए कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है, डन है यहां तक, और कुछ, परफेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जा रहा है, यहाँ पे अप्रैल 2019 में 7 मार्क का सम आया है, आई थिंक ये फॉर्म अंडरराइटिंग वाला सम है, यस, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट गिवन नॉट सब चीजों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूट लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर अज्यूमिंग दैट बेनिफिट ऑफ द फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन, खाली स्टेटमेंट बनाने का और कुछ भी नहीं है, नो जर्नल एंट्रीज एंड बेनिफिट इज गिवन। ध्यान से सुनना चाहिए तो नोट डाउन कर लेना कि सर ये क्या है क्यों है, आपको कंफ्यूजन होता है, जो मैं अभी बोल रहा हूं फाइनल है, कुछ मत चेंज करना। अगर आपको लग रहा है सर वीडियो में आपने ऐसा बोला तो अभी ऐसा बोल रहे, ध्यान से सुनना, वीडियो में भी वही बोला था, अभी भी वही बोलूंगा। होता ये कि तुम समझते उस टाइम पे कुछ और हो, अब समझते कुछ और हो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान से सुन लो, जो बोल रहा हूं यही समझो, फाइनल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान देना, एसएस की जरूरत नहीं है बेटा, मैं पूरा पीडीएफ शेयर करने वाला हूं। स्टार्ट करता हूं, लाइबिलिटीज का टेबल पहले से बना दिया है, कितने अंडरराइटर्स, सीमी कीमी टीमी बेसिस बना के रखा है, टोटल बना के रखा है, बराबर है। बेसिस का कॉलम बनाना है बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर मेकिंग देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट ग्रॉस लाइबिलिटीज मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, इतना बना के छोड़ सकते हो। क्लियर, स्टार्ट करते, कितना शेयर बेचने का संविदा मेरे को, कृष्णा लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड टू द प्रमोटर एंड बैलेंस शेयर्स वेर ऑफर टू पब्लिक विच वॉज अंडर रिटर्न बाय सिमी किमी एंड किमी। 5 लाख शेयर बेचने थे, 1,40,000 शेयर मैंने कोई प्रमोटर को दे दिया, तो भाई प्रमोट कर ले वो शेयर को तो बेच, बाकी जितने भी शेयर है वो मैंने मेरे अंडर राइटर्स को दिया, सिमी किमी और टीमी। तो 5 लाख में से अगर 1,40,000 चला गया तो बचा कितना, 3,60,000, तो मुझे कितने शेयर बेचने, 3,60,000 शेयर बेचने, कौन से रेशियो में बेचना है, 2:3:4, 2+3 = 5, 5+4 = 9, ऑलरेडी रेशियो दिया गया है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो 2:3:4, 3,60,000 × 2/9, 3,60,000 × 3/9, 3,60×4/9, 80, 1,20,000, 1,60,000, देखो आ रहा है क्या सबको, माइनस वाले चीजों को बेटा समृद्धि, माइनस वाले चीज को ब्रैकेट डालना कंपलसरी है, समृद्धि माइनस वाले चीज को ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। यस, यहां तक क्लियर, अरे हाँ, ग्रॉस लाइबिलिटीज आ गया, कितने शेयर बेचने थे मुझे, आगे दिया है, द फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलो, सिमी ने बोला शेयर बिके नहीं बिके 10,000 शेयर में खरीद लूंगी, ये मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये फर्म अंडर राइटिंग है, फॉर्म अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलो, सिमी बोली आपके शेयर बीके नहीं बीके मैं तो खरीद लूंगी 10,000, मैं 12,000, मैं 14,000, ठीक है अच्छी बात है, मतलब कंपनी को इतना तो गारंटी है, कोई खरीदे नहीं खरीदे ये शेयर तो बिके गए। आगे दिया है टोटल, ध्यान से ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव वॉज
277,600 shares, including marked application and excluding firm underwriting. मतलब जो भी अपने को एप्लीकेशन आया है, ये तो मैंने इसके पहले के समय बताया, जो भी एप्लीकेशन आया है इसके अंदर मार्क्ड होता है, अनमार्क्ड होता है. इससे नया क्या बोला, इससे नया ये बोला कि जो भी एप्लीकेशन आया है वो मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ तो है लेकिन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडरराइटिंग है. मतलब ये जो शेयर्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. समझा? मतलब ये शेयर्स की एंट्री इसके अंदर पास नहीं की गई है. वेरी गुड. आगे दिया है मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन 60, 70 और 90 है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है. वर्किंग बनाते जरा ध्यान देते, कितने शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन कितना आया. अब जब भी एप्लीकेशन आएगा और फॉर्म अंडरराइटिंग आएगा, जब भी एप्लीकेशन आएगा और फॉर्म अंडरराइटिंग आएगा, एक ही बात पूछना है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग. ये क्या था, यहां तक क्लियर? अब जरा ध्यान देना, 360,000 में से 277,600 ही बिका है, तो कितना नहीं बिका, 82,400 नहीं बिका है. प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग के बारे में भी बात नहीं किया उसने, इसके अंदर हम ऐड करने वाले कितना फॉर्म अंडरराइटिंग. अब यहाँ पे फॉर्म अंडरराइटिंग यहाँ नहीं किया है, मैं उसको अलग से प्रेजेंट करूंगा. इंक्लूडिंग के केस में हम यहाँ पे ऐड करते, एक्सक्लूडिंग के अंदर नीचे करने वाले. ठीक है? अरे हाँ, अब जरा ध्यान देना, एप्लीकेशन के कितने पार्ट्स है यहाँ पे, क्योंकि एक्सक्लूडिंग है ना, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, दो ही पार्ट, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड. ठीक है? पक्का? सीमी का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 60,000. फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, टोटल करो ना, टोटल 60-20 कितना है, 2,20,000 मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल किया. फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, 10,000, 12,000, 14,000. बेनिफिट गिवन है कि नॉट गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिट गिवन. बेनिफिट गिवन का मतलब है जितना उनको बोला है उतने शेयर्स देने पड़ेंगे. नॉट गिवन का मतलब है कि भाई हम, तुमने बोला है उतना चाहिए, हमको जितना पॉसिबल होगा हम उतना शेयर्स आपको देंगे. सर कंफ्यूज हो गए, सर ऊपर से चला गया, मालूम, समझ गया, बाउंसर हो गया. शेयर्स कितने है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड, ये तो पता है, एक्सक्लूडिंग है ये भी पता है. तो मैंने इसमें से 2,20,000 मार्क निकाल दिया. अब बचा 277,600, 2,20,000 तो बचा कितना, 57. 277,600 का बाइफर्केशन समझ में आ गया. अब बचता है फॉर्म अंडरराइटिंग. अगर क्वेश्चन ने बोला है बेनिफिट देना है तो जैसा दिया है वैसा लिख देने का. अगर बोला है बेनिफिट नॉट गिवन, उस केस में जितना भी अनमार्क्ड रहेगा उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल ऐड करने का, इधर ध्यान वो छोड़, टोटल ऐड करने का और उसको कौन से रेशियो में बांटने का, जीएलआर. इस केस में बेनिफिट गिवन बोला है तो इस केस में बेनिफिट गिवन बोला है तो फॉर्म अंडरराइटिंग को बाद में ही लिखेंगे. कितना है, 57,600. जीएलआर क्या है, 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4. 57 को बांट दिया, ऐड किया फॉर्म अंडरराइटिंग, कितना बेनिफिट गिवन जितना बोला है उतना है. ये समझा, वर्किंग समझा है? परत एक बार, 360,000 बेचना था, 277 ही बिका है और वो भी एक्सक्लूडिंग है, दिल पे लिया नहीं, मार्क अलग किया, अनमार्क अलग किया, दोनों का बंटवारा किया जैसा नॉर्मल समझा वैसे, और अलग से फॉर्म अंडरराइटिंग दिखाया बिकॉज बेनिफिट गिवन है. अगर बेनिफिट नॉट गिवन होता वैभव तो ये 36,000 इसमें ऐड होता और टोटल जीएलआर में बढ़ जाता, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करता. क्लियर है सभी? क्लियर है? अब प्रेजेंटेशन पे जाते हैं. प्रेजेंटेशन पे क्या करना है, सबसे पहला ग्रॉस लायबिलिटी का मार्क्ड एप्लीकेशन आएगा, वर्किंग चलेगा 60,000, 70,000, 90,000, टोटल 2,20,000. माइनस करने का, 80 में 60 जाएगा तो 20, 1,20,000 में 70 जाएगा 50, 1,60,000 में 90 जाएगा तो 70, 3,60,000 में 2,20 जाएगा 1,40. मार्क के बाद क्या आता है, अनमार्क. अनमार्क भी अपने पास है,
माइनस कर देंगे 12,800, 19,200, 25,600 57,600 माइनस करेंगे, चलो माइनस, तो बैलेंस आ जाएगा मेरे को 7,200, 30,800, 44,400 यहां तक समझ में आया? अब क्योंकि क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है तो वो शेयर्स भी तो बिकने वाले हैं, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो बेनिफिट के साथ, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, माइनस तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेस फर्म अंडरराइटिंग, इसको कितना 10, इसको कितना 12, इसको कितना 14, टोटल 36, चलो माइनस करेंगे, तो बैलेंस आ गया माइनस 2,800, यहां तक क्लियर? 82 में से 36 गया, 46,400 इतना ही सम था, समझाइए? बट सर माइनस आया, तो माइनस आया तो क्या करने का, जिसके पास पॉजिटिव उसके एडजस्ट, इनका रेशियो क्या है 3:4, तो 28,000 कौन से रेशियो में बटेगा, 2,800 मतलब 2,800 × 3/7 2,800 × 4/7 7 × 1 = 7, 4 = इसको आएगा 1,200, इसको आएगा 1,600, बराबर है? अरे हाँ, तो यहाँ पे क्रेडिट एडजस्ट करेंगे, इधर कुछ भी नहीं, बट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस डैश, माइनस करेंगे नील हो गया, इधर आंसर आया, इधर आंसर कितना 46,400। अरे समझा? नॉर्मली यही मेरा नेट लायबिलिटीज हो जाता अगर क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं होता। एक बार फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस होगा और फिर जब फाइनल आंसर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो क्या आएगा, ऐड होगा, तो ऐड होगा 10, 12 और 14 फिर से, तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो मेरा नेट लायबिलिटीज बन जाएगा। नील पे 10,000 ऐड करोगे तो 10,000, इसमें ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे और इसमें, तो आपका टोटल आंसर कितना आना चाहिए था, मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना था, क्लियर है? इंक्लूडिंग वाला भी सम करेंगे बेटा, टेंशन मत ले, अरे आज के इसमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सब सम है। हाँ बेटा बोल, लेस भी हुआ ऐड भी हुआ, अगर ये डाउट है आपको तो मैं इसका ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूं, बट वापस एक बार, सर ये माइनस भी किया, ये ऐड भी किया, माइनस भी किया ऐड भी किया, इसका मतलब ये नहीं है, जो माइनस किया वो शायद बिक गया ना, जैसे मार्क मतलब बिक गए, अनमार्क भी तुमने बिक दिया भाई, इसके अंदर ही वो बिका हुआ है ना, और ये तो फॉर्म अंडरराइटिंग हम खरीदेंगे तो हम वो भी माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कितने शेयर्स नहीं बिके, और जो नहीं बिके वो किसको देंगे, अंडरराइटर को, भाई तूने बेच के देने की गारंटी लिया है तो तू बेच, तो इसलिए हम क्या करते, पहले वो माइनस कर देते, एंड देन बोलेंगे भाई इतने ही तुमको शेयर्स खरीदने थे, लेकिन तूने बोला था ये भी खरीद, वो तो हमने पहले माइनस कर दिया है, लेकिन वो तो तेरे को ही खरीदना है, इसलिए वो तेरे अकाउंट में फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समझाइए आपको? पहले हमने माइनस करके लायबिलिटीज निकाल लिया, अब उसने बोला मैं, मेरे को कुछ भी नहीं खरीदने, मैंने क्यों नहीं खरीदना, 10 तेरा माइनस किया था ना, तो तू खरीदने वाला ही है, तो इसलिए वापस से ऐड होगा, क्लियर हुआ अभी? हाँ बेटा, करवाता हूँ, करवाऊंगा, बेनिफिट नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में अगर बेनिफिट नॉट गिवन एक्सक्लूडिंग होता तो 57,600 प्लस 36 तो वो सिर्फ अनमार्क्ड माइनस होता इकट्ठा, वापस फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस ही नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके साथ मिलके है, माइनस हो चुका है, तो अलग से फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस नहीं होता, डायरेक्टली वो एट द एंड एड हो जाता, समझा? चलो ठीक है, ठीक है ठीक है शिवम, इसके बाद वाला सम देख, मारुति लिमिटेड इशूड 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 एट द प्रीमियम ऑफ 10, यहां पे देखना फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है जो कि मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर दिया है, एप्लीकेशन कितना मिला है 90,000, फॉलोइंग आर द मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर व्हेन बेनिफिट ऑफ द फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन, इंक्लूडिंग भी है और बेनिफिट भी है, ठीक है, जो डाउट रहेगा अभी क्लियर, एक्सक्लूडिंग तो करवाया ना, अब इंक्लूडिंग पे ध्यान दो, सबसे पहला कितने शेयर्स बेचने भाई, 1,00,000, 1,00,000 शेयर्स बेचने, तो ग्रॉस लायबिलिटीज 1,00,000 का है, 60, 30 और 10 हो गया 1,00,000, सेम फॉर्मेट बना लिया,
1 लाख शेयर बेचने थे, इसने 60,000 लिया, इसने 30,000, इसने 10, सबके चार चार जीरो कट हो जाएंगे, 6:3:1। ये समझ गया। अब एप्लीकेशन आएगा, कितना एप्लीकेशन आया इंक्लूडिंग है क्या एक्सक्लूडिंग है? भाई ये इंक्लूडिंग है। 1 लाख में से 90 भी का बचा कितना? तो आंसर 10 मिलेगा नहीं, क्योंकि इंक्लूडिंग वाला सम है, इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे, और फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 10, 4 और 2, 16। 10 + 16 तो मेरा फाइनल आंसर 26,000 आना चाहिए। क्लियर? ध्यान से देखो, हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझा? अब उसको बोल जाओ भाई ये तो प्रेजेंटेशन आंसर के लिए था। अब शेयर कितने आए? 90। नॉर्मली 2 पार्ट होते थे, यहाँ पे 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इसका मतलब इसके अंदर मार्क्ड भी है, अनमार्क्ड भी है, और 3 बंटवारा। बात समझ में आ गया? पक्का? एक्सक्लूडिंग में 2 ही पार्ट लिया था, इसमें 3 पार्ट। देन यहां तक पक्का? चलिए, कितने अंडर राइटर्स है? ABC 3। यहाँ पे ABC पूरा नाम लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब आते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन पे। ए का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? बी का कितना है? सी का कितना है? जो बेसिक डाउट स्टूडेंट्स को था ना, जरा इधर ध्यान देना। फॉर्म अंडर राइटिंग 16,000 था फॉर्म अंडर राइटिंग, तो 90 में से 16 तो फॉर्म अंडर राइटिंग का मैंने अलग कर दिया, क्योंकि इसके अंदर है ना, ए का बी का सी का अलग कर दिया। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? इसका 24 है, इसका 20 है, इसका 8 है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग है, तो जितना भी मार्क्ड एप्लीकेशन आया है उसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग क्या करने का? माइनस। तो इसमें से माइनस करूंगा ए का 10,000, तो इसका मार्क्ड एप्लीकेशन बन जाएगा 14। इसमें से 4 - होगा 16, इसमें से 2 - होगा 6। तो एक्चुअल में मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 36। जबकि 24 + 20 + 8 करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 52 होगा। बट एक्चुअल में 52 कैसा बनेगा? 36 + 16 करोगे तो 52 बनता है, क्योंकि 2 ही पार्ट होता है, मार्क और अनमार्क, और ये मार्क का मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग ही होता है। क्लियर हो गया? क्या समझा? बेनिफिट गिवन हो चाहे नॉट गिवन, अगर बेनिफिट गिवन होता या नॉट गिवन होता, बट वो इंक्लूडिंग है, तो आपको मार्क्ड एप्लीकेशन से अलग कर देना। डाउट क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जरा देखो, 90 में से 36 अलग हो गया, 16 अलग हो गया, मतलब 52 अलग हो गया, बचा कितना? वो क्या रहेगा? अनमार्क्ड। क्लियर? अब क्योंकि बेनिफिट गिवन है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? GLR, और GLR है 6:3:1। झाला सब? आपको ये वर्किंग प्रॉपर समझ गया तो इधर आंसर में कुछ भी नहीं है, आंसर खाली अमाउंट का फिलिंग द ब्लैंक है, फोकस इस पे करना अच्छे से। आपका प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, चलो देखते। सबसे पहला ग्रॉस लायबिलिटीज है मार्क्ड एप्लीकेशन, 24 में मार्क्ड होगा, 14,000, 16,000, 6,000। समझा? माइनस करेंगे बैलेंस आ जाएगा आपको। क्लियर है? हा। नेक्स्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन 22, 11 and 3, 38। क्लियर? डने यहां तक? बैलेंस ले लेंगे, उसके बाद फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग है, बेनिफिट गिवन है, तो अलग से माइनस होगा। माइनस किया, बैलेंस निकाल दिया। अब 2 नेगेटिव आया, इसके पहले एक एक ही नेगेटिव आ रहा था, तो 2 पॉजिटिव था उसमें, अब ये दोनों नेगेटिव इसी को जाने वाला है, तो आप इकट्ठा प्लस करके डायरेक्टली माइनस करो या 2 बार प्रेजेंट करो आपके ऊपर है। मतलब एक बार बी का माइनस करो, एक बार सी का माइनस करो, या तो 1400 + 1800, 1,000 + 2,000 = 12, मतलब 3,200। डायरेक्टली मैंने तो 3,200 माइनस कर दिया इसके शेयर में से, और इसको 14, इसको 18 कर दिया। अरे समझा? डायरेक्ट एक साथ ऐड करके माइनस किया, बैलेंस ले लिया, कितना है भाई? 10, 0, 0, खत्म हो गया सम। लेकिन फॉर्म अंडरराइटिंग है तो ऐड हो जाएगा फॉर्म अंडरराइटिंग। कमीशन वगैरह कोई बोला है कि कैलकुलेट करने? नहीं, तो नेट लायबिलिटीज आ जाएगा 20, 4 और 2, 26,000। 26,000
क्लियर है सम अभी बेटा? दो बार लेस फिर से बता रहा हूं, फॉर्म अंडरराइटिंग जब भी क्वेश्चन में दिया है चाहे बेनिफिट दिया है नहीं दिया वो माइनस होता ही है, अगर नहीं दिया है तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ माइनस हो जाता है और दिया है तो अलग से माइनस होता है। ऐड क्यों करते हैं कि हमने उसको बताया हाँ तेरे देने के बाद भी तेरे शेयर इतने नहीं बिके तो इतना तेरे को खरीदना पड़ेगा, ये तो तू खरीद ही गई और जो मैंने तेरे माइनस कर दिए वो भी तेरे को खरीदना है, इसलिए बाद में हम लोग क्या करते हैं ऐड। सभी क्लियर पक्का? तो ये तुम्हारा नेट लायबिलिटीज कितने मार्क्स का सम आया था 2023 में 10 मार्क का सम आया। नेक्स्ट सम पे जाते किच किच ने सम पूरा कंप्लीट हो जाने दो क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक को हाथ भी मत लगाना, आप रिवीजन करने वाले बात आपके जगह पे बट आज के क्लास के अंदर ये पूरा वाइंड अप हो जाना चाहिए ठीक है। एक सम है मेरे हिसाब से और एक छोटा सा सम सवाल आया है सर ये 20 मार्क का सम आएगा तो कैसे आएगा? यस अगर 20 मार्क का सम आ रहा तो जनरल एंट्री देगा ना फर्स्ट सम जो मैंने चालू किया विद जनरल एंट्री। क्लियर है? चलिए प्रेम लिमिटेड इशू लास्ट सम है, ये छोटा सा सम है फटफट हो जाएगा। प्रेम लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 80,000 शेयर्स, कितने शेयर बेचने हैं 80,000, कंपनी का कैपेसिटी 80,000 of 10 each at par. Whole issue was fully underwritten as follow. Hemant ne bola 40,000 le lunga main. 40,000 isne liya, 30,000 isne liya, 10,000 isne liya. Ho gaya 80,000. Ratio bana ise 4:3:1. Barabar? Clear? Ab dekhte hain application aaya kitna. Application received 76,000 shares which was including marked application. इधर फॉर्म अंडरराइटिंग है ही नहीं, तो जब फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं आ रहा मतलब बोनस है भाई, सिंपल सा सम आया हुआ। 80 में से कितने एप्लीकेशन आए 76, तो बैलेंस कितना आएगा 4,000, फाइनल आंसर 4,000 आना चाहिए। कितने पार्ट होते हैं मार्क्ड और अनमार्क्ड? मार्क दिया हेमंत का 27, 18 और टोटल हो गया 60, 76 में से 60 मार्क दे बचा 16 अनमार्क, जीएलआर में बांट दो, जीएलआर क्या है 4:3:1। वर्किंग क्लियर? माइनस करो काम खत्म, ग्रॉस लायबिलिटीज में माइनस होगा मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन 27,000, 18,000, 15,000 बराबर माइनस कर दिया, आपका आंसर रेडी है। माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, 6,000, 2,000, 8,000, 6,000, 2,000 बराबर माइनस करने का जो आंसर आएगा यहां पे आ रहा आपको 5,000, 6,000। अब देखो यहां पे ऑलरेडी माइनस था, 10 में से 15 गया तो -5,000 और माइनस किया तो -7,000 आया, यहां तक क्लियर? अब क्योंकि नेगेटिव है तो एडजस्ट करना पड़ेगा 7,000 कौन से रेशियो में 4:3 में, इसको 4,000, इसको 3,000, ये 7,000 माइनस करोगे फाइनल आंसर जो आएगा वो मेरा नेट लायबिलिटीज 4,000। सम समझाए? तो मैंने आज के क्लास में अंडरराइटर्स का बेसिक दो सम लिया, एक एक्सक्लूडिंग वाला लिया बेनिफिट गिवन और एक इंक्लूडिंग लिया बेनिफिट गिवन, माइनस कब करना है वो एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है क्या? आज के क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल के लाइव सेशन में हम मोस्टली शायद अमालगमेशन करने वाले, कल का लाइव वही है शायद, तो कल अमालगमेशन ही एक ही सिंगल टॉपिक है और कोई भी नहीं। मैंने ऑलरेडी लाइव शेड्यूल करके रखा है कि कौन से दिन पे क्या क्या टॉपिक होने वाला है, जो जो टॉपिक तुमको लग रहा है अटेंड करने का वो लाइव लेक्चर अटेंड करो, जो टॉपिक आपको लग रहा है मेरे को स्किप करने का नहीं अटेंड करने का मत अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है क्या? ऑफलाइन क्लास तो चल रहा है, लाइव वाले को बोल रहा हूँ अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो लाइव चैट में पूछ सकते हो, आप लोग को ब्रेक है आप लोग जा सकते हो आराम से जाओ, मेरे को इनसे डिस्कशन करने का तो आप लोग जा सकते हो। लिक्विडिटी बेटा ऑलरेडी मैंने शेयर किया वो एक बार देख लो ना, एमसीक्यू की स्टडीज बेटा आवाज कम रखो खाली, मेरे को इन लोग से डिस्कस करने का। एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर रेफर करो और कुछ भी नहीं, पीडीएफ लेक्चर के बाद शेयर कर रहा बेटा, यस पीडीएफ शेयर करता बेटा। एलएलपी कब लोगे बेटा? ऑलरेडी मैंने शेड्यूल करके रखा है, एक बार वो शेड्यूल को देख ले समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, फटाफट कनेक्ट हो जाना, कल भी टाइम पे टाइमिंग सेम रहेगा 3:30 से चालू होगा, 1 घंटे का होगा 2 घंटे का डिपेंड करता है बेटा।
इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए जय सर शायद से वीडियोस अपलोड करने वाले या लाइव जाने वाले, उनसे डिस्कशन हो गया मेरा, वो मेरे को बोले या तो मैं लाइव चले जाऊंगा या तो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। सो जयेश राजगुरु चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसके पर आ जाएगा बेटा। सर इंक्लूडिंग बेनिफिट नॉट गिवन कैसे करना है? इंक्लूडिंग है और बेनिफिट नॉट गिवन है। तो देखो अभी ये जो सम था इसके पहले वाला जरा ध्यान देना, ये वाला सम जो मैंने आपको करवाया अभी, ये जो सम अभी मैंने आपको करवाया बेटा, आप लोग जाओ ना, आप लोग क्या है यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये था इंक्लूडिंग वाला सम, फॉर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट नॉट गिवन था, नॉट गिवन रहेगा, तो ये 16,000 प्लस 38 करने का जो भी दोनों का टोटल आएगा उसको जीएलआर में भाग देने का। थियरी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, टैक्स का भी थियरी अपलोड कर दिया है, फाइनेंस का भी थियरी अपलोड कर दिया है, कॉस्टिंग का भी, इवन पास्ट पेपर का पीडीएफ कल परसों में वो भी अपलोड करता हूं, तो आप उसमें से एमसीक्यूज कर सकते हो बेटा। चलिए ठीक है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर्स में शेयर करूंगा विद सॉल्यूशन बेटा। ये जो बताया ये प्रेजेंटेशन के साथ ही बेटा, प्रिया मिश्रा एमसीक्यूज पास्ट पेपर से रेफर करो, अमर पास्ट पेपर में शेयर करूंगा अभी बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लेक्चर जय सर लेंगे बेटा या तो वीडियोस अपलोड करेंगे, जयेश राजगुरु चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर जो भी डिटेल्स है मिल जाएंगे। सर वेयर इज द शेड्यूल हैज बीन अपलोडेड? टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड किया है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, सिरा शेख डिग्री स्टडी एंड यूट्यूब के कम्युनिटी टैब्स के ऊपर भी अपलोडेड है बेटा। एक्सक्लूडिंग की केस में कुछ भी नहीं करना है, जो भी एप्लीकेशन है उसके दो पार्ट करो, मार्क डनमार्क करो बस, और कुछ भी मत करो। फॉरेन एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज आएगा शिवम, लिली अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग नहीं समझ रहा है सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग कैसे होता है बेटा, अनमार्क को जीएलआर में बांटते हैं। इको और कॉमर्स का आईएमपी क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर किया है, नॉट गिवन बेनिफिट है तो आपको अनमार्क के साथ ऐड करने का और ऐड करने के बाद उसको जीएलआर में बांट देने का। इनडायरेक्ट टैक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, और लाइव लेक्चर अटेंड करोगे तो पूरा टैक्स भी कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। रेहान जयेश राजगोर चैनल यूट्यूब पे सर्च मारो तो पहला ही मिल जाएगा। जो ऑप्शन में रखने का सोच रहे हैं अमाल कमीशन या एलएलपी, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में रखने का रख सकते हो बेटा, ऐसे सारे टॉपिक कंपलसरी है। यस वेल मीट टुमारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्ट हो जाना, अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो अच्छा है तो कनेक्ट हो जाना, और पॉसिबल जितना भी पॉसिबल है उतना मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूंगा बेटा। आज अगर वीडियो ज्यादा लैग हुआ है तो फिर कल मैं देखता हूं, इंटरनेट अगर चेंज होता है तो इंटरनेट चेंज करके वो भी करवा देता हूं। चलिए ठीक है, विल मीट टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, पॉसिबल है तो वीडियोस को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। चलो बाय। Thank you.